सोशल मीडिया जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा टूल है यूज करने के लिए। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ने जो हमें मुतारिफ कराया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह से, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वगैरह भी सोशल मीडिया में आ जाते हैं वरना और बहुत से हैं। तो फेसबुक सबसे ज़्यादा टॉप पे है और यूट्यूब भी है, फिर टिकटॉक वगैरह ये सारे भी चैनल्स आ जाते हैं। यूट्यूब के साथ आप टिकटॉक या शॉर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, वरना शॉर्ट्स और टिकटॉक आपके सोशल मीडिया में आ जाते हैं। तो आप लोग जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आप लोग IMS में हैं और आप लोग कहते हैं कि रीच कैसे करें, हम लोगों का क्लस्टर कैसे बनाए, हमारे पास बहुत सारा क्लस्टर कैसे होगा, तो हम लोगों का जो एज अ मुस्लिम काम है ना, वो सिर्फ क्लस्टर उन लोगों को नहीं राय देना जो हमारे पास दौड़ खुद ही आ रहे हैं। खुद आ रहे हैं तो उनको तो बनाना है, उनको तो गाइड करना है, ठीक है, जो लोग खुद आते हैं, मगर जो लोग खुद नहीं आ रहे राय देते, हम लोग एक आम बंदा है, हम लोग के बारे में भी लोग नहीं जानते कि हम लोग सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई आलिम तो है नहीं कि हमारे पास कोई दौड़ कर आएगा। तो हम लोगों ने जो है, हमारा काम ये कि हमने शहद की मक्खी की तरह काम करते रहना है, ठीक है, हमने ये नहीं सोचना कि काम नहीं हो पा रहा या कैसे होगा। अल्लाह ताला ने हर बंदे के दिमाग में, हर इंसान के, हर जानवर के इंसान में, छोटे दिमाग में, छोटे से छोटे जानवर के दिमाग के अंदर ना कुछ डिस्क और कुछ ना कुछ वो SOPs फिट किए हुए हैं, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो मैं जो आप लोगों को बता रही थी कि जैसे अल्लाह ताला ने हर जानवर, छोटे से छोटे जानवर को भी अल्लाह ताला ने एक तरह से, बहुत से जानवरों की जिनकी मिसालें दी, इसमें शहद की मक्खी भी है, चूंटी भी है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इनको जो है ना, इनके दिमाग में एक सिस्टम फीड किया हुआ है कि उन्होंने किस तरह से कहना। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर हर दुनिया की हर जानदार और बेजान चीज अपनी उसका तस्बीह का तरीका जानती है कि अल्लाह ताला की तस्बीह किस तरह से करनी है। उनको एक अल्लाह ताला ने एक पैटर्न पे काम करने का, शहद की मक्खी की मिसाल दी है, सूरह नहल है, ठीक है, तो उसमें बताया कि शहद की मक्खी ऊंची ऊंचाई ऊंची जगहों पर रहती है, साफ जगहों पर, और साफ जगहों से साफ चीजों का रस लेती है। तो हम लोगों को, इंसानों को सिर्फ अल्लाह ताला ने पैटर्न नहीं बताया हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मशीन फिक्स कर दी है, खुद खुद सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की हमारे अंदर मशीन डाली हुई है। तो जैसे फरिश्ते हैं वैसे ही इंसानी जो रूहें हैं, यानी रूह जो होती है अल्लाह ताला का, जो नूर से जो बनी है, फरिश्ते भी नूर से बने और इंसान के जिस्म भी नूर से बने। फरिश्तों के पास नॉलेज क्यों नहीं, जो अल्लाह ताला बस बताता है वही वो याद रखते हैं, ठीक है, उन वो खुद से कुछ ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने जगह जगह फरिश्तों का जिक्र किया है कि आदम को कुछ चीजें बताई और फरिश्तों को भी बताई, फरिश्तों को नहीं बताई, आदम को बताई, आदम अलैहिस्सलाम को, और जब उनसे पूछी तो उन्होंने बताया, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्रोसेस करके उसके हिसाब से बताया, और जो कहते हैं ना अल्लाह ताला के, मैंने कहा था ना कि देखो मैं जो जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते, तो फरिश्तों ने कहा कि वाकई। तो फरिश्तों के अंदर वो सोच क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको वो जिस्मानी, वो मिट्टी से बना जिस्म नहीं दिया जिसके अंदर एक मशीन बनाई हुई। अल्लाह ताला ने दिमाग जो है ना हमारा बहुत कम्प्लेक्स मशीन है, जो चीज़ों को प्रोसेस करना जानता है, बेहतरीन से बेहतरीन कंप्यूटर भी अब तक दिमाग के मुकाबले में नहीं पहुंचा। तो दिमाग जिस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है और क्रिटिकल थिंकिंग करता है, एनालाइज करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी मशीन सबको दी हुई है, और सबके पास एक जैसी मशीन है, उस मशीन को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो दिमाग के अंदर जो होते हैं अलग अलग लेयर्स होती हैं, इंसानी दिमाग के अंदर ज़्यादा लेयर्स होती हैं और जानवरों के दिमाग में कम लेयर्स होती हैं। वो भद्दा कहते हैं ना, भद्दा दिमाग है तुम्हारा, तो भद्दा दिमाग का मतलब होता है कि वो कम लेयर्स का दिमाग है, यानी वो मोटा सा एक दिमाग का पीस है मगर उसके अंदर लेयर्स और पार्टीशंस नहीं है जो अलग 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 किस्म की खसूसियात रखते हैं, तो वो होता है भद्दा दिमाग। जो हमारे इंसान के बाद जो दूसरा कहते हैं, दूसरे नंबर पे जिनके दिमाग में लेवल वो लेयर ज्यादा होती है, वो बंदर के होते हैं, तभी उनकी पिक करने की सलाहियत ज्यादा होती है। तो खैर, तो अल्लाह ताला ने जो हम लोग को दिमाग दिया है तो हम लोगों ने उस सलाहियत को लेना होता है, हमने उसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है कि हम किस चीज को किस तरह से, किस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं सही मायने में, जायज तरीके से, कि हम लोग कोई अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोगों में ना हो, मगर कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा, कहीं सियासत वाली जब कैफियत आती है उसमें भी जायज तरीके से अगर हम लोग एक नेकी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी कभी कभी कंडीशंस होती हैं सही के, हम लोग हाँ बुराई के अंदर से भी अगर अच्छाई निकालने की होती है तो जाहिर है बुराई के अंदर जाकर जब अच्छाई निकाल रहे हो तो बुराई के अंदर डिप करना पड़ता है ना। आपने बुराई में से भी अच्छाई अखज करें और आपने अंधेरे में से उजाला कैसे निकालना है, और टेक्नोलॉजी जिस तरह से लोगों को लगती है बुराई है, अब लोगों को आप, कुछ कुछ लोग होते हैं वो मीडिया बिल्कुल बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं अपने घर में से कि हमने टीवी यूज ही नहीं करना, तो उसके नुकसान क्या होते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके मीडिया बिल्कुल, मीडिया से उन्हें कटआउट कर देते हैं, तो वो जब दूसरों के घरों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा हसरत से देख रहे होते हैं टीवी,
और उस वक्त अजीब और सी सिचुएशन हो जाती है कि वो टीवी के जैसे सामने जाके बैठ जाते हैं और बहुत हसरत से और बहुत इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो बच्चों को एक तो सही गलत की तमीज सिखानी होती है, और हमने आपको तो उससे कैसे फायदा उठाना है, तो जब हम लोग फायदा उठाना शुरू करेंगे तो आगे के लोग भी उसे पिक करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है लोग सीखने वाले बहुत कम लोग हैं, जो यानी सिखाने वाले लोग बहुत कम है हम लोग, तो हम लोग अपनी स्ट्रगल्स बढ़ानी होंगी, और स्ट्रगल्स को मल्टीप्लाई अगर हम करें, यानी अगर हमारा टारगेट ये हो कि हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें। अब जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ, सिर्फ दो बंदे हैं जो सीख रहे हैं, मगर जो है अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो ये आगे मेरी नेकी मल्टीप्लाई होती रहेगी, और ये इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट होती रहेगी, और कोई ना कोई अगर एक बंदा भी ऐसा मिल गया जो इस वीडियो को देखता है और वो पिक कर लेता है उन पॉइंट्स को, और वो आगे उस पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो मेरी नेकी मल्टीप्लाई होगी और मेरा काम आसान होता जाएगा, क्योंकि अब और भी ऐसे लोग हो जाएंगे, बन जाएंगे, आगे आ जाएंगे, जो मेरी तरह से वर्क करेंगे और मेरे मेरे बोझ को कम कर देंगे, ठीक है। तो बस नियत करने की देर होती है, और आपने जब एक दो रास्ते में से चुन लेने, अब मैंने आप लोगों को जो रास्ते बताए हैं, एक दो तीन चार पाँच छह टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी बात करेंगे, तो इनमें से अगर आप दो तीन टॉपिक्स पे भी, आप दो तीन जगहों पे भी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला फिर आपको खुद रास्ते बताता जाएगा, खुद आपको नए नए टास्क देता जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया जो होता है वो हमें आउटरीच करने के लिए होता है, कि क्लस्टर की हम लोग कहते हैं हमारे पास क्लस्टर नहीं है, हमारे पास क्लस्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, ये पूरा दुनिया हमारा क्लस्टर है, ठीक है। पहले तो खातिन होती थी, घर में बैठी हैं, तो कोई अगर उनसे जो मिलने आ रही है, उनकी अपनी सर्कल है, सोशल सर्कल है छोटा सा, तो वो उनमें से अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो बस उसको बता सकती थी, मगर अब ये कि एक खातून भी जो घर में बैठी हुई है, और एक जो आप एक मर्द भी जो छोटे से इलाके के अंदर है, और अपने इधर उधर जाना नहीं है आप लोगों का, पता मर्द हो या औरत हो जो भी हो, तो मगर दुनिया सिमट गई है मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास सोशल मीडिया जो है वो हमारी पूरी दुनिया को हम रीच कर सकते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं ज्वाइन कर कर, ठीक है। एक मिनट जरा, मैं शोर हो रहा है, मैं तो कर कर मुझे बताइएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, दुनिया जो है वो सिमट गई है सोशल मीडिया के ऐसे, हमें हमें किसी को भी आउटरीच करना बहुत आसान हो गया है, सही है। हम लोगों ने अब ये देखना है कि हम लोगों ने किन लोगों को आउटरीच करना है, हमारा क्लस्टर कौन सा है, ये भी कर सकते हैं आप कि आप एक-एक करके, जैसे होता है ना कंपेरेटिव रिलीजन्स के पे आप वर्क कर सकते हैं, कि मुख्तलिफ रिलीजन्स की स्टडी करें और उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, उन पे आप उनको गाइडेंस देना शुरू कर दें, या फिर आप मुख्तलिफ फिरके हैं उनको ज्वाइन कर लें, या मुसलमानों के आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ढूंढ लें, पाकिस्तान का ग्रुप ढूंढ लें, पाकिस्तान के मेरे पास कुछ ग्रुप्स ज्वाइन है हुए हैं, वो जो है ना पीटीआई का ग्रुप भी मेरे पास ज्वाइन हुआ हुआ है, तो इस तरह से आप वहां पे जाके आप अल्लाह ताला की आयत शेयर कर सकते हैं। और तो यानी क्लस्टर जो है ना, आप ये ना सोचेंगे कोई बंदा आएगा और आईएमएस में साइन इन करेगा तो जाके वो आपका क्लस्टर कहलाएगा, आप सोशल मीडिया से बहुत से लोगों को रीच कर सकते हैं, इसी तरीके से गूगल सर्च है, गूगल सर्च पे आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे स्टडी करनी है, कोई भी सेकेंड बुक ढूंढनी है, कोई भी बाइबल के अंदर की एक वर्स ढूंढनी है, तो आपने गूगल पे डालना है वो निकल आएगी, सेकेंड बुक की एक साइट है, secondtext.com, ठीक है। तो secondtext.com पे जाके बस मैं फिल्टर लगाती हूँ, फिल्टर लगाने का तरीका भी आप लोगों को बता देती हूँ। अब जैसे मैंने ढूंढना है, जैसे हम लूसीफर का कर रहे थे, या फिर हम गोग मगोग का कर देते हैं, गोग करते हैं, ठीक है, गोग करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं सेकंड बुक की साइट का नाम डालती हूँ, कंट्रोल एक्स, सेकंड बुक्स पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ, सेकंड टेक्स्ट पे, तो सेकंड टेक्स्ट ये साइट है, ठीक है, इस साइट पे का लिंक आपने डाला, ये मैं आप लोगों को सर्च फिल्टर बता रही हूँ, और इसमें जाके आपने स्टार्टिंग में जो है ना, स्टार्टिंग के आप भले www भी उड़ा दें या ना उड़ाएं, उसके बाद साइट लिख कर, ये कॉलन साइट होता है, ये सर्च ऑपरेटर्स कराते हैं गूगल के, और ये क्या करते हैं, साइट के सारे पेजेस जब आप इसको डालेंगे ना, तो आपको साइट के सारे पेजेस निकल के गूगल के आ जाएंगे, गूगल पे आ जाएंगे जितने हैं, आप कितने पेजेस हैं इसमें, 99,600 पेजेस हैं। अब आप इसमें फिल्टर लगाना शुरू करेंगे, एक होता है माइनस के, ये चीज माइनस कर दो, इन यूआरएल यानी यूआरएल के अंदर अगर ये चीज आ रही हो तो माइनस कर दो। अब मैंने सीएमटी लगाया, कमेंट्री के सारे पेजेस जो है ना बुक्स, कमेंट्री क्या होती है, जैसे हमारी वो होती है ना क्या कहलाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ की तफसीर, इंग्लिश में कमेंट्री बुक्स होती है उनकी, बाइबल्स, हमारे पास है 86,900। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं बाइबल कर, यहाँ पे अब मैं गोग लिखूंगी, गोग का मतलब है गोग वाली चीज हमारे पास आ जाए, पेजेस हमारे पास कितने पेज रह गए, 214 पेज हैं जिसमें गोग गोग का जिक्र हो रहा है,
हाँ मगोग भी कह सकते हैं, गोग क्योंकि है ना वो थोड़ा सा क्या नाम है, रशियन लैंग्वेज वगैरह उस तरह की लैंग्वेजेस कुछ होती हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में गोग कुछ और भी निकल के पूरी लैंग्वेज ही डिफरेंट निकल के आ रही होती है। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 357 है मगोग करने से, बल्कि ज्यादा ही आ गए पहले से। तो अब ये हमें पता चल जाएगा कि ये एक तो इसमें कमेंट्री वाले कोई भी पेज नहीं है, डायरेक्ट आयात के यानी डायरेक्ट वर्सेस के पेज हैं मुख्तलिफ जो हमारे पास। अब ये CHR का मतलब है कि ये क्रिश्चियंस बाइबल है, क्रिश्चियंस बाइबल की लिस्ट निकल आई। इस्लाम इस्लामिक मतलब है ये इस्लामिक सारी जो हमारी बुक्स है ना जो अहादीस की होंगी या कुरान शरीफ की होंगी, जहां जहां गोग मगोग का जिक्र हो रहा होगा वो सब निकल आएगा। गोग मगोग वैसे तो कुरान शरीफ में याजूज माजूज होता है, मगर इंग्लिश के उसमें आप पढ़ेंगे तो शायद आपको गोग मगोग मिल जाए इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। और क्रिश्चियंस की और ये बाइबल जो है तौरा वगैरह होती है और जबूर भी आपको मिल जाएगी, साल्म होती है, तो ये सब में जहाँ जहाँ पे जिक्र हो रहा होगा। और उसके अलावा ये क्लासिक्स वगैरह जो है ना ये बाइबल्स नहीं है, ये सेक्रेट बुक्स हैं, ये अफ्रीकन वगैरह की भी आपको मिलेंगी, मगर ये है कि ये सिबलाइन है, ये थोड़ी सी प्रॉफिटिक है, मगर ये तो आपको हर किस्म की मिल जाएगी। अगर आपने प्रॉफिटिक करनी है तो बिब लिख लें या CHR लिख लें, तो वो वही वाली चीज़ निकल के आएगी इसके एंड में। तो इस तरह से करके सर्च टर्म्स लगा के आप गूगल से बड़ा फायदा उठा सकते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। ठीक है, अब ये बाइबल के पेजेस निकल के आएंगे यहाँ से। तो लग रहा है मैं रोबोट हूँ। ठीक है, ये आप 67 सिर्फ ये बाइबल है, यानी आप इसमें, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है अगर हम अफ्रीकन पढ़ेंगे या फिर हम मेसन्स की या फिर हम लोग एमरल्ड टेबलेट से इस तरह की कोई पढ़ने बैठेंगे तो यकीनन बिल्कुल अपोजिट बातें हो रही होंगी। वो उनके विलन्स हमारे हमारे हीरो उनके विलन्स होते हैं, तो वो बिल्कुल अपोजिट, और उनके विलन्स जो होंगे वो हमारे विलन्स जो होंगे उनके खुदा होंगे, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, हमारे जो इवल्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि गूगल सर्च से हम हर चीज सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया है, बहुत सी चीजें हैं जिससे हम लोगों की रीच आसान हो जाती है, उससे हम लोग बहुत सी चीजों को सर्च करके हम लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और जो है यूट्यूब अब आ जाता है, यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूट्यूब को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं लोगों को अगर आप वो रिकॉर्ड कर लें या उसे अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दें तो आप उसको अपनी उस नेकी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेकी को रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपकी आखिरत में भी काम आएगी। अब जैसे कुरान शरीफ मैं पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ अरबिक, तो ये जो है ये उस नेकी से ज्यादा बेहतर है जो कोई बाद में मेरे मरने के बाद कब्र के में जो होता है ना कि हम लोग के भाई अपने वालदेन की कब्र के लिए हम लोग बरसियों पे या दूसरों पे हम लोग बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सिपारा पढ़ दो, या लोगों को खाना खिला रहे होते हैं खत्म में बुला कर और सिपारे पढ़वा रहे होते हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और आप खुद ऐसी नहीं कि ये रिकॉर्ड कर लें जो जब जब कोई देखेगा और वो आपको उसका सवाब होगा तो आपकी आकबत सही हो जाती है, आपका ईमान सही हो जाता है, मजबूत होता है। उसके अलावा इस्लाम 360 ऐप मैंने आप लोगों को बताई है, इससे आप लोगों ने कुरान शरीफ के ट्रांसलेशन सुन भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, उसके उसकी अरबी भी समझ सकते हैं, और बहुत सी चीजें फिल्टर्स लगा कर आप रिसर्च भी कर सकते हैं, बहुत डिटेल रिसर्च के कंटेंट आपके पास जमा हो जाते हैं। आपको जाकिर नाइक की तरह की आपको फोटोजेनिक मेमोरी होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप के पास लाइब्रेरी हाथ में होगी, मोबाइल हाथ में होगा, जैसे उस टॉपिक के ऊपर आपने आपको पता है डिस्कशन होनी है आपने वो आयात सेव कर ली। आज की आयात मैं इसलिए सेव नहीं कर पाई क्योंकि टेक्नोलॉजी का जिक्र तो नाम ये गूगल वगैरह के नाम तो नहीं है कुरान शरीफ में, तो ये हम लोगों ने सिर्फ प्रेफरेंस अभी देना है, मगर आगे की जो हमारे पास चीजें होंगी उसमें हम लोग इंशाल्लाह आयात भी शेयर करेंगे। दो कुरान शरीफ की सूरह मैं इंशाल्लाह जरूर आज भी शेयर करूंगी, सूरह दोहा और सूरह अलम नशरा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को हौसला भी देती है, और अल्लाह ताला उसमें हम लोगों को बताता भी है कि हम लोग जो चाहते हैं हमारी नीयत पूरी करता है अल्लाह ताला, नीयत करने की देर है, रास्ते अल्लाह ताला खुद बनाता है। YouTube है, उसके बाद इस्लाम 360 मैंने आप लोगों को बताया, इस्लाम 360 में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल मैंने आप लोगों को चीजें दी हुई है, ठीक है। इस्लाम 360 के जरिए हम लोग रिसर्चेस कर सकते हैं, और व्हाट्सएप, जूम और क्लब हाउस ये हम क्लस्टर्स वगैरह से मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रॉनिक साइंस है, क्रॉनिक साइंस साइंस के एथेस्ट और देस्ट वगैरह को हम लोग जो है उसके लिए गाइड करने के लिए, यानी अगर जो लोग साइंस को ही मानते हैं और अल्लाह को नहीं मानते तो उन्हें हम साइंस की ही रेफरेंसेस दे सकते हैं। मैंने इस्लाम 360 में बहुत एक लाइब्रेरी बाकायदा बनाई हुई, जहाँ जहाँ मैं कुरान शरीफ की ऐसी आयात सुनती हूँ जो साइंस का जिक्र हो रहा होता है तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ, और वो यकीनन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत गौर और फिक्र करने की जरूरत है, और वो वाकई में ऐसी चीजें हैं जो बाकायदा अल्लाह ताला की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां होती हैं साइंस की, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ही कुरान शरीफ नाजिल किया था उस वक्त उन चीजों का जानना इम्पॉसिबल था। तो आप इन चीजों को देखकर स्पेशली जो है
आप इनको यूटिलाइज कर कर आप जो है दावत भी दे सकते हैं दीन की, और आप बहुत से काम भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये बताना है कि आप अब्दुल हनान तो बहुत दिनों से हमारे साथ, आप बताएं आजकल आप किस तरफ, आपकी डायरेक्शन पे आपकी कोशिश चल रही है, क्या क्या कर रहे हैं? वालेकुम। आजकल तो मैं कुछ भी नहीं हो रहा, आज थोड़ा सा जरा फैमिली में थोड़ा सा बिजी था। आज नहीं, मतलब आजकल क्या कर मैंने रहे हैं? वैसे आपने क्या स्टार्ट किया हुआ है? वैसे रमजान के बाद तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। नहीं ये तो आप आम मुसलमान बन गए रमजान के, रमजान वाले। नहीं नहीं वो बात नहीं थी, बस कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। वो ताया अब्बू का थोड़ा ऑपरेशन चल रहा था, तो जिसकी वजह से सर्चिंग नहीं थी उड़ी, ना ही मैं कोई मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहा था, तो इसमें से सही, ऑपरेशन चल रहा है तो आपको हरा लाला करना चाहिए ना, कुरान शरीफ सुन लिया करें जब आप फारिग होते हैं, जब आप बाहर बैठे होते हैं हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में, तो उस वक्त भी आप कुरान शरीफ सुनते हैं। कुरान शरीफ सुनने से ही आपका असल जो है आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। एक आयत शेयर करें, मैं जो यहाँ आज तक आज यहाँ पहुंची हूँ ना, सबसे पहला जो मैंने एक नए काम शुरू किया था वो मैंने कुरान शरीफ सुनकर आगे बढ़ाना शुरू किया था, सिर्फ आयत को शेयर कर देती थी मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करके, तो अल्लाह ताला ने बहुत रास्ते निकाल लिया और काम आसान करता चला गया और मुझे इस तरफ कर दिया परमानेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ना कुछ करना है आपने, वरना देखें हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन जरूर रहे होते हैं, जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको बूस्टअप कर रही हूँ, आपको रास्ते बता रही हूँ, मगर ये है कि हम लोगों को ना लत लग जाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर ये चीज़ बेहिसी पैदा हो जाती है कि हम लोग एक चीज़ सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जोश हमारे अंदर आ रहा है मगर उस जोश को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसा जोश जो होता है वो उल्टा हमारे लिए हमारे अंदर बेहिसी हो जाती है कि हम लोग, क्योंकि जो मोमिन होता है ना वो तो जैसे ही सुनता है उस पर अमल करने बैठ जाता है। मैंने सर साहिल अदीन को सुनना शुरू किया था तो एक दो हफ्ते मैंने सुना, और वही मोटिवेशनल स्पीकर वाली जो बात होती है ना कि आपको एक लत लग जाती है, आप वीडियोस देख रहे होते हैं मगर आप करने पे अभी स्टार्ट नहीं कर रहे होते, तो मगर ये फिर मैं रुक गई। मैंने बहुत सी बातें सुनी और मैं रटती नहीं हूँ, मगर जब भी मैं कोई बात करी होती हूँ तो जिस बंदे ने मुझे कुछ अच्छा सिखाया होता है तो मुझे याद आ जाता है कि फला ने ये सिखाया था, तो सर साहिल अदीन की बहुत सी बातें मुझे याद आती है कि उनसे भी मैंने ये बात पिक की, ये बात पिक की, इस तरह से सीधा उन्होंने मुझे बताई, मैंने पढ़ी, यानी हम सबको बताई थी, अकेले मुझे नहीं, उन्होंने 101 बताया था, मैंने उनके सेशंस वगैरह जब सुन रही होती थी, तो रुक कर फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है हमने, सुनने की ना हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ऊपर सख्तियां जमा कर रहे हैं सिर्फ सुन सुनकर, इन सब का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा आखिरत के दिन। आखिरत के दिन बहुत लंबा होगा, हजारों साल का, या पता नहीं कई सौ साल का या जितने भी होगा, मगर हर बंदे के हिसाब से होगा कि उस पर कितना भारी होता है, उसने अपनी एसेट्स को कहाँ जाया किया है। सिर्फ हमारे पास वक्त भी है, हमारा दिमाग भी है, अच्छे दिमाग वाले का दिमाग भी बहुत बड़ा एसेट है, और वो एक एक लम्हा जिस जिस लम्हे जितने जितना उसने जाया किया, कहाँ कहाँ जाया किया, इसका भी सवाल होगा। सिर्फ सुनकर जाया किया और अमल नहीं किया, ऐसे सुनने का क्या फायदा जिसमें अमल ना हो, ठीक है? और ऊपर से सर साहिल अदीन गवाह भी हो रहे हैं हमारे ऊपर कि मैंने इसे ये भी बताया था, मैंने इसे ये भी बताया था, क्योंकि आखिरत में खड़े होकर वो तो गवाही देंगे, भले उन्हें नहीं पता होगा अभी कि किस किसने सुनी उनकी बात आखिरत में जो है ना, वरना तो आपकी अपनी आंखें कान गवाही दे रहे होंगे कि हमने फला की ये बात सुनी थी, हमने फला की ये बात सुनी थी, मगर अमल नहीं किया, तो बगैर अमल के सुनना भी जो है ना वो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो और अगर अमल नहीं करेंगे तो मैं भी आप लोगों की आखिरत पे, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के नाम भी पता है कि मैंने किस किस को बता दिया है, तो मैं खड़े होकर गवाही दे रही हूँगी कि मैंने तो ये बताया था, तो बगैर अमल के सुनने से का फायदा नहीं है, ये अपने अंदर लत पैदा करें, जैसे कि होता है ना कि हम लोग वैसे तो बहुत सी वीडियोस होती हैं, बहुत सी म्यूजिक होते हैं जो लत पैदा कर रहे होते हैं, वो सही नहीं होते, वो टाइम भी जाया कर रहे होते हैं, मगर कुछ चीजें होती हैं जो आपके अंदर अच्छाई भी पैदा कर रही होती है, जैसे पेट्स की वीडियो देखने से, कहते हैं पेट्स अगर आप घर में रखते हैं तो आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, शफकत, शफकत का जज्बा दिल से आपके अंदर होता है। दूसरी देखिए रेस्क्यू करने की वीडियोज देख रहे होते हैं जानवरों को, मगर क्या होता है कि जब हमारे सामने से वो जानवर कोई गुजरता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं रखूंगा कहाँ, संभालना मुश्किल हो जाएगा, एक बंदा एक जानवर बुरी तरह जख्मी है, हम लोग उसके पास से गुजर जाते हैं, हमारे वीडियोज घंटों घंटों देखते रहते हैं, तो इन चीजों का सवाल होगा। ऐसी चीज जो हम लोगों को लत पैदा कर रही है, हमारे हमारे अंदर बेहिसी पैदा करती जा रही है, हम देख कर भी इंजॉय तो सब कर रहे होते हैं, मगर जब हमारे सामने वो कंडीशन आ जाती है अमल करने की तो हम लोग एक्सक्यूज कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास बजट नहीं है, या हमारी फला एक्सक्यूजेज हैं, तो ये चीज जो है ना फिर ये उल्टा हमारे लिए गुनाह की तरफ चली जाती है, इससे बेहतर कि हम देखें नहीं, इससे बेहतर कि हम सुने नहीं, हम कोई मोटिवेशनल वो ना सुने अगर हम उस पर अमल नहीं कर सकते, और खास तौर पर इस्लाम से रिलेटेड मोटिवेशनल तो बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि वो सुनने के साथ साथ आपके ऊपर गवाह आ रहे हैं, आपके अपने भले कोई बताने वाला अगर सर साहिल अदीन नहीं उन्हें पता कि लिस्ट में कौन कौन सुन रहा है, मैं आपके अपने आंखें कान सब गवाही देंगे,
तो ये आप लोग जो है ना अमल करना शुरू करें और सोचें कि एक साल की स्ट्रगल है, समझ लें। जैसे मैं अब कर रही हूँ, मैं करते चले जा रही हूँ, पता नहीं कितने कितने मैंने पखेड़े खोले हुए हैं। अब साल भर की है या 2-4 साल की है, नियत मैंने कर ली, अल्लाह ताला मेरा काम आसान करेगा। ये एक तो नेकियां मल्टीप्लाई करने का। अब मुझे पता है लोग नहीं आ रहे, मायूसी होने लगती है कि इतनी बड़ी टीम है, 80 लोगों की माशाल्लाह टीम है मेरे पास, अकलमंद अकलमंद लोग हैं, वहाँ किसी पास टाइम नहीं है, जोश दिखाते हैं मगर अमल नहीं करते ज्यादातर लोग। 99% लोग जो है ना मैंने यहाँ पे देखे, यानी अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो राइट हैंड बनकर साथ आकर वो बकायदा कोई कामों में लगा हुआ हो। सुनते सब लोग हैं, इंजॉय करते हैं मीटिंग्स को, उसको सर सारे दिन के सेशन को स्पेशली, इसके लिए आप लोग जुड़े हुए हैं। मगर ये है कि आप अब जब मुझे मायूसी होने लगी थी, अब मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू किया तो मुझे ये हो रहा है कि चलो दुनिया तो देखेगी, कोई ना कोई होगा, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब क्योंकि मैंने रीच बढ़ा ली है, मैंने सिर्फ 80 लोगों पे नहीं रखी, 80 में से मेरा कितना मुझे रिजल्ट मिल रहा था, 1%, हर मीटिंग में 2%, 3% ज्यादा से ज्यादा। मगर वो 3% देखने वाले, अमल करने वाले कितने हैं उसमें से? सुनकर आप लोग अमल करते हैं? नहीं, कोई अमल नहीं कर रहा होता। कोई कोई बंदा होता जो अमल करता है, जिस तरह मैं खड़ी हो गई हूँ अमल करने के लिए, मगर अल्लाह ताला मेरा साथ दे रहा है। जब आप अमल करने की नियत करते हैं तो अल्लाह ताला साथ देता है। आप याद रखें, जिस चीज की आप नियत करेंगे आपकी जिंदगी में वही मिलेगा आपको। जैसे होता है, आपने कुरान शरीफ में कुछ आयात देखी है, लोगों ने अपने लिए 16 औलाद की दुआ की, जबकि सिर्फ दुआ नहीं थी कि सिंपल ही एक कपल है जो दुआ कर रहा है जिसकी औलाद हो सकती है, ऐसे ऐसे कपल जिनकी औलाद नहीं हो रही थी, जो बूढ़े हो गए थे, और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हम तुम्हारी नजर करते हैं, यानी हमें कोई ऐसी औलाद दो जो तेरे लिए काम आए, यानी अनबिया की तरह हो या सालीन में से हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी औलादों में से, नस्लों में से अनबिया खड़े किए। ठीक है, सिर्फ आपकी नीयत करने की और अमल की नीयत से आप अगर जो दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला वो पूरी करता है आपके लिए। ठीक है, मगर ये होता है, अब दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। आप इस तरह से, एक आपने दोले शाह की चूहिया सुनी है? चूहे किसने सुना है? दोले शाह की चूहे, जी सुने हुए हैं। हाँ। तो वो पता है क्या होता है उसके लिए, जो सुने है ना मिथ जो उसकी है, और पक्की मिथ है, यानी अक्सर अक्सर होता है कि अक्सर कपल्स के यहाँ औलाद नहीं होती है, तो कहते हैं वहां जाके दोले शाह के मजार पे जाके मन्नत मांग लो, और मन्नत पता है क्या होती है? पहला बच्चा हम आपके मजार पे चढ़ाएंगे। जी ऐसा ही। हाँ, और पहला बच्चा जब वो मजार पे चढ़ाते हैं तो वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, जबकि वहां वाले उसे एबनॉर्मल कर देते हैं, या फिर अल्लाह ताला वाकई में एबनॉर्मल पैदा करता है, क्योंकि जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। ठीक है ना, आपने पहली तहैया कर लिया कि पहली औलाद हमें दोले शाह देने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला उनकी उनकी दुआ से रेफरेंस से हमें औलाद होगी, और पहली ऐसी होगी जो दोले शाह के मजार पर बैठनी है और जो आधे दिमाग की होनी है, तो अल्लाह ताला वैसी ही चीज देता है आपको। अगर आप सालिहीन की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको सालिहीन भी देगा, मगर अगर आपने उनकी तरबियत में, फिर अगर आपने कुछ कर दी, ये अल्लाह ताला के मौजजों में से होते हैं कि जो मांगा वो पाया। मगर जब अल्लाह ताला मौजजा देता है ना, तो साथ में आपकी ऊपर आजमाइश कड़ी हो जाती है, बहुत शदीद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, बनी इसराइल में आपने देखा होगा कि बनी इसराइल ने बहुत फरमाइशें की थी, अब हमें ये करके दिखाएं, हमें ये करके, हमें आसमान से मनोसलवा उतार के दे, हमें ये मौजजा करके दिखाएं, हमें ये मौजजा करके दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मौजजे होते हैं तो फिर सख्ती भी आती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी पकड़ भी इतनी शदीद होती है कि इतने मौजे दिखा दिए गए, या मौजा दिखा दिए गए, निशानियां खुली खुली आ गई, उसके बाद हमने अमल क्यों नहीं किया? तो जब हम लोग नेकी की तरफ जाते हैं, तो अक्सर हम लोगों के दिल में हम लोगों की बात होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा हो रहा होता है कि आपको लगता है अल्लाह ताला बहुत करीब है और अल्लाह ताला आपकी सुन रहा है। मगर यह है कि अल्लाह ताला की निशानियां होती हैं कि अल्लाह ताला आपके करीब हो रहा है, क्योंकि आप उसके करीब होना चाह रहे हैं। मगर अगर आप उसके बावजूद फायदे तो उठा लें अल्लाह ताला से, मां अल्लाह ताला को फायदा ना दें तो ये बहुत बड़ी सख्ती की बात है। तो अल्लाह ताला को फायदा देना भी हमारा मस्ट है, क्योंकि ये हमारे फराइज में से, और स्पेशली जब हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और उसके बाद जब हमें आसानियां मिल जाती हैं, तो हम लोग बिल्कुल लापरवाह होकर बैठ जाते हैं, ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। और ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने के बावजूद अगर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो और इतना अच्छा दिमाग मिलने के बावजूद उसे अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी पकड़ का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि हम आपने जैसे बात की है, हम इसको स्टार्ट किधर से लें, इसका आप दो कुरान तीन से चीजें देख लें, स्टार्ट। इसमें से दो तीन चीजें देखें जो 6 की लिस्ट है, और उन पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो करेंगे, लेकिन हम सर्चिंग किस तरह करें? मेरा कहने का ये मतलब है कि हम सीरा से शुरू करें, कुरान से शुरू करें, कि क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो काफी जैसे कि इलम चाहिए होता सीरा है जो है ना, किसी। शॉर्ट वाली सीरा पढ़ें, अगर आप पढ़ सकते हैं वहां जोश के साथ पढ़ें, ये नहीं कि सीरा का नाम लेकर एक मरतबा बैठ गए तो फिर 10 साल लग गए कि सीरा की बुक खत्म होगी तो मेरा नेक्स्ट काम शुरू होगा।
मुझे जब सर सारे लोग, क्योंकि मैंने लेक्चर सुना था कि सीरा पढ़नी है, तो बस मैंने 1 महीने में सीरा पढ़ी थी, जैसे तैसे करके पढ़ी थी, ठीक है ना। और साथ में कुरान शरीफ सुनना शुरू कर दिया था, जब आधी सीरा हो गई थी तो मैंने उसका कुरान शरीफ सुनना शुरू कर दिया, कान पे लगाया सुने मैंने, इतनी मजा आप लोगों का है। सिर्फ कान पे लगा के सुने, आप लोगों को अचानक समझ में आएगा कि बहुत अच्छी आयात का सेट आ गया है, इसको मैंने शेयर जरूर करना है लोगों से। ये तो सूद के ऊपर आ गया, ये तो उधार के ऊपर आ गया। वो तो मैं सुनता हूँ कुरान की आयत वगैरह ट्रांसलेशन यूट्यूब से भी या 360 से भी। तो शेयर कर रहे हैं आप बाकी आगे? जो शेयर भी, शेयर वो आजकल आपको बताया थोड़ी सी बिजी की वजह से नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैं कर रहा था तो शेयर जरूर करना है, ये आपके लिए नेकी है, ये बहुत बड़ी नेकी है, आपको पता है, ये बहुत जबरदस्त नेकी है, इससे मैंने बहुत मौजजे होते देखे। शायद यही एक नेकी थी जो मेरी आगे मेरे रास्ते खोलती चली गई, रिसर्च की तरफ भी मुझे ले आई, और ये टीम कैप्टन भी बना दिया, और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ताला ने मुझे रास्ते दे दिए कि करो जो तुमने नियत की है। तो ये नेकी ऐसी है क्योंकि ये हम लोग लोगों में कन्वे कर रहे हैं, इसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन करें, मुख्तलिफ ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप, सिर्फ सर साहिल अदीम का नाम, सर साहिल अदीम के मैंने 6-8 ग्रुप ज्वाइन किए, तो एक बंदा मेरे पीछे लग गया था कि आप साहिल अदीम का टैग, मैं टैग भी करती थी, मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ सर साहिल अदीम को भी टैग करी होती थी जब आयात शेयर करती थी, तो कहते आप उनका नाम क्यों शेयर करिए, क्योंकि वो उनके खिलाफ था बंदा, उसने भी उनके सारे ग्रुप ज्वाइन किए थे, तो कह रहे हैं आप उनके नाम से नेकी क्यों फैला रही है, और नेकी तो आप कर रही है ना, आप उनके नाम से लगा रही है कि वो ये नेकी कर रहे हैं, तो इससे वो फायदा नेगेटिव जा रहा है उनको। मगर वो फोर्स कर रहा था, तो मैंने क्या किया, उनका नाम हटा दिया, मगर मैं उनके ग्रुप में जरूर ऐड करती थी, तो उसके बाद भी वो बंदा मेरे पीछे लगा हुआ था, मगर ये है कि वो ना नेगेटिविटी निकालने में लगा होता था, तो फिर उसने कहा कि आप और ग्रुप भी ज्वाइन करें, यानी आप अपने दुश्मन की भी बात को पिक करें, जो सही बात है उसको पिक करना चाहिए। उसने कहा आप सिर्फ साहिल अदीम के ग्रुप क्यों हैं, और ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किए? मैंने वो ज्वाइन कर लिए, मैंने 200 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, पहले मैंने 100 किए थे, फिर 100 तकरीबन और हो गए, अब मैं अगर एक ही साल ग्रुप में दे देती हूँ, चंद घंटे के लिए मेरा मेरा आईडी ब्लॉक हो जाती है कि आप शायद स्पैमिंग कर रहे हैं। तो मगर इतने ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिए, सारे शिया, सुन्नी, कादरी, ज्यूइश, एथेस्ट, पता नहीं कौन कौन से, तो अहमदी, तो ये है कि ये मैंने करना शुरू किया। उस वक्त भी वो बंदा पीछे लगा हुआ था, एक मरतबा उसने खुद भी, इन लोगों ने बोला कि तफसीर भी शेयर किया करें आयत के साथ, बिल्कुल आयत के साथ तफसीर शेयर करूंगी तो लोगों में फिर वो हो जाएगा कि आपने फला फिरके से आप ताल्लुक रखती है, फला बंदे की क्यों शेयर कर रही, ठीक है। तो ट्रांसलेशन तो आप किसी का भी कर लें, ट्रांसलेशन आप चेंज कर लिया करें, आप उस पर जाए, मैं आयत नंबर है आपको तफसीर देखनी है तो जाके नेट पे निकालें और तफसीर देख लें, उस पर मोबाइल पे निकालें या कुरान शरीफ खोलें और निकाल कर देख लें। एक बार मैंने की थी तो उसके ऊपर वो बहस करने बैठ गया था, पहले उसने सर से ही पूछा कि इसका मतलब क्या है, बहुत वाजह आयत थी जिस पे मैंने उसका मतलब बता दिया, उसके बाद वो बंदा मैसेजेस में कि आपने वो इसका मतलब क्यों ऐसे बता दिया, आप आलमा है कोई, आप कैसे कोई मतलब अखज कर सकती हैं, कि बिल्कुल कॉमन मतलब था उसका, कोई बहुत आसान सी आयत थी, ये होते ना एक हुक्म वाली आयत, अल्लाह ताला कहता है कि एक महकम आयात होती है, एक मुश्तबा होती है, तो वो महकम आयात नहीं थी। तो खैर फिर उसके बाद मुझे बोलना पड़ गया, मैंने कहा किसी को यानी अच्छे रास्ते से रोकना भी गलत होता है, मैं तो अपना काम करती जाऊंगी, मैंने बहस नहीं करनी, तो यानी नहीं आपसे बहस करो, मैंने कहा आप ही कर रहे हैं, यानी आप वो कर रहे हैं डिस्करेज कर रहे हैं। तो उसके बाद वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था, मगर ये है कि जब तक मैं अच्छा वक्त हासिल कर सकी तो मैंने दुश्मन से भी अच्छी बात पिक की, और उसे, और यही एक चीज होती है जो आपको आगे लेके जाती है, अल्लाह ताला ने आपका दिमाग इतना अच्छा बनाया होता है और आपको बहुत सी सलाहियतें दी होती हैं, बहुत से फायदे दिए होते हैं। अब आप लोग जो मर्द हैं, मर्द तो औरतों से ज्यादा आप लोगों की पकड़ है, क्योंकि आप लोगों को बहुत डोमिनेंस दी हुई है अल्लाह ताला ने, आप दुनिया में भी फिर सकते हैं और बहुत से आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और हर अपॉर्चुनिटी का हर बंदे को सवाल होगा, मुझे सवाल होगा कि मेरे पास फारिग वक्त होता है तो आपने वो यूटिलाइज क्यों नहीं किया। मर्दों के पास चलो फारिग वक्त कम होता है, मर्दों के पास रीच ज्यादा होती है, मर्दों को पर्दे का मसला नहीं है, तो आपको ये सवाल होगा कि आपने उसे क्यों नहीं यूटिलाइज किया, तो ये आपने यूटिलाइज जरूर करना है। और उसके अलावा आप क्या पूछे थे, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, नेक्स्ट क्या चीज सवाल क्या है आपका, आपको नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन? आंसर मिल गया नेक्स्ट ये पिछले वाले मेरा का? जी, वो मुझे क्लियर हो गया। दूसरा ये था, आपने वो जो गोगमगोकली की रिसर्च जो आपने बनाई थी, उस पर मैंने आपको कमेंट भी किया था। साहिर अदीम साहब उसमें कुछ और तरीके से बता रहे थे कि जो थे हजरत जुलकरनैन वो आसमानों की तरफ गए, वहां एक मिनट उन्होंने रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ जी, अच्छा देखिए सर, साहिल अदीम की एक अपनी थ्योरी है, ठीक है, मैं उसके ना कोई वो नहीं है, कोई भी सबूत के साथ नहीं है, वो अंदाजे हैं, और वो अंदाजे जो है ना उनको जो है
टेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, सालों बता लगेंगे। वो कुरान से बता, तो सबाबा का लफ्ज वो यूज करते हैं कि तो एक आसमान ही की तरफ वर्ड को रास्ते, आप, ठीक वो देखिए सबाबा जो है ना है उसका मतलब है सुन। चढ़ाई चढ़ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आसमानों में ही चढ़ाई चढ़ना, उसका मतलब है चढ़ाई चढ़ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो आसमानों की तरफ कहीं कहा जा रहा है, आसमानों में चढ़ाई के लिए वो वर्ड स्पेशली नहीं बना हुआ। ठीक सही, है, आप उसकी ट्रांसलेशन अलग अलग देखें तो कहीं पे भी आसमानों में चढ़ाई का वर्ड नहीं बना हुआ। वो उसका मतलब, उस मतलब को अब अंदाजा तो बंदा लगाता है ना कि भाई ऐसा क्या, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक जो होता है ऐसी दीवार लेते हैं कि जमीन के ऊपर कोई दीवार है, उस तरफ की कोई कौम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कौम दीवार ना फैला सके? जमीन के अंदर भी तो पूरी एक दुनिया है ना, पूरी गोल जमीन के ऊपर है हम, उसके नीचे क्या है, उसके अंदर क्या है। और वो मैं जो हूं ना, मैं सिर्फ साहिर अदीम की तरफ ही मेरा कॉन्सेप्ट था, बाकी अल्लाह ताला ही रास्ते खोलता है। पहले तो मुझे वो आयत मोबाइल का अल्लाह ताला ने खोल कर समझे समझे टेस्ट कर लिया, तो जब मैंने उस पर रिसर्च की तो उसके बाद पहले ही अल्लाह ताला ने 1 साल पहले से मेरा दिमाग इस तरफ लाना शुरू कर दिया था कि मैं अपने काम में, मेरा दिमाग नहीं था जॉब्स वगैरह में, अल्लाह ताला इस तरह मुझे इस तरफ लेकर आया। तो मगर फिर जब ये आयत सामने आई, वो जो सन मिरर्स हैं जब वो सामने आए, तो उसके बाद मैंने पहले नहीं कि सारी की सारी निशानियों को मिला के मैं एक जगह को ढूंढने बैठ गई, ऐसा नहीं था। मुझे सिर्फ एक सन मिरर्स मिले हैं, और उसके बाद जब मैंने उस जगह को देखी तो जगह से इतनी निशानियां मैच हुई हैं कि मैं हैरान थी। इतना बड़ा इतफाक तो नहीं हो सकता ना कि सन मिरर के साथ की सारी जगह ही पूरी की पूरी निशानियों से भरी हुई हो। सन मिरर दुनिया के और जगहों पे भी तो होने चाहिए, और भी नहीं है सही। सिर्फ यहीं से पर है। एक जी और ऐड कर दूं, आज जुमे के खुतबे में भी ना इमाम साहब ने तो इसी बात पे ना बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि एक सहाबी जो थे, उन्होंने वो जगह देखे ऐसे, वो दीवार देखे ऐसे, उस दीवार के ऊपर गोल्डन कलर की लाइनिंग थी और ब्लैक कलर की दीवार थी। तो इस तरह की कोई हदीस वगैरह में है ये बात? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रही है, तो इतनी भी लॉजिकल नहीं होगी। जबकि उन्होंने दज्जाल को देखा था, ये तो एक हदीस है कि दज्जाल को देखा गया था किसी किसी जजीरे पर ही। ठीक है, तो जजीरे पे देखा गया था। अब ये नहीं पता कि ये इसमें कितनी हकीकत है दज्जाल की। उसके अलावा जो है नॉर्थ वगैरह का जिक्र है, मगर ये कि जाहिर है हकीकत, वो हकीकत तो होगी, हदीस कंफर्म है। मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दज्जाल का जिक्र किया तो उन्हें सोच के बताया कि वो मशरिक से आएगा, उन्हें कभी ये नहीं बोला कि वो मशरक में है। ठीक है, मशरक से आएगा, फौज के साथ आएगा। तो जाहिर सी बात है वो जो फौज है वो बकायदा एलुमनाटीज की, अब जब आप उनके फ्री मेसन के उसमें देखेंगे ना, जो मैंने आप लोगों को उसकी क्या नाम है, मैंने दिए ना एक पेज शेयर किया है उनका, क्या कहलाता है अचानक से मेरे नाम निकल गया, तो प्रोफाइल है उसकी हॉरस की। तो उसके अंदर बकायदा उन्होंने कहा है कि वो 3,000 साल से कहीं मिस्र में बंद है, कहीं पे बंद है, और वो 3,000 साल बाद निकल कर लाइट्स के खुदाओं के साथ मिलकर वो हमला करेगा। अब वो लाइट्स के खुदा कहाँ से आ गए, और 3,000 साल वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप बाइबल में खोलते हैं तो बाइबल में जो शैतान सेकंड चैप्टर है 6 डूम का, तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जो शैतान को हमने, यानी सेकंड वर्ड ले रहे हैं वो दज्जाल के लिए उस पूरे चैप्टर में, और डेविल लिया गया है शैतान के लिए, एक अलग टर्म ली गई है शैतान के लिए। तो कहा जाए कि सेकंड को 1,000 साल पहले बंद किया था, ठीक है, और वो निकल के आएगा। अब वो 1,000 साल पहले बाइबल आई है, 2,000 साल पहले जीसस की, ठीक है, क्रिश्चियंस की बाइबल, और 2,000 से 1,000 साल पहले कितना होता है, 3,000 साल। फ्री मेसन के हॉरस के बारे में प्रोफाइल में लिखा होता है कि वो 3,000 साल से कहीं बंद है, और वो लाइट के खुदाओं के साथ मिलकर हमला करेगा। अब लाइट के खुदा क्या होते हैं, इल्यूमिनाटी और मेसन्स। इल्यूमिनाटी तो बकायदा लाइट का अपना बुक है, इनकी जो बुक है वो सारी लाइट के बारे में, कि नो के रोशनी रोशनी, मगर वो मैजिक मैजिक रोशनी है, रोशनी से इंसान है, इंसान से रोशनी है, फला फला। तो जो है, और आपके सवाल कर रहे थे, यानी मैंने बाइबल के सारे रेफरेंसेस मैंने कुरान से हैं, कुरान की वो जो आयात हैं वो कुरान की आयात असल में निशानियां। अच्छा, ये 2 निशानियां और भी बहुत सी कंफ्यूजन है। मैं चाहती हूँ कोई बंदा राइट हैंड आए जो बाकायदा रिसर्च करे आगे बढ़कर। वैसे तो मैं चाहती हूँ कोई बड़ा आलिम मिल जाए, जो जिसको इतनी जैसे जाकिर नाइक की तरह का कोई बंदा हाई इंटेलिजेंट हो, जो कुरान शरीफ से मुझे रिसर्चेस निकाल निकाल के दिखाया, वरना कोई बंदा है जो मेरे साथ आगे बढ़े, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो अभी यहाँ पे ना कुरान शरीफ में, और भी निशानियां हैं। एक है कौम सबा, कौम सबा पता है ना, जो सुलेमान सलाम ने जिनसे शादी की थी मलका सबा से, तो उसके बारे में निशानी है कि वो सूरज को पूजने वाली कौम थी। ठीक है, और दूसरा ये था कि जब उन्होंने शीशे का फर्श देखा था मलका सबा ने, तो फौरन ईमान ले आई थी, तो उस वक्त शीशा नहीं था, यानी पानी पर ही अक्स देखा जाता था।
और वो सूरज को पूजने वाली कौम थी, वो दोनों निशानियां भी वहां से मिलती हैं, उस वाली जगह से, माचू पिचू से, कि वो सूरज को पूजने वाली कौम और वो सन मिरर यूज करती थी, यानी पानी पानी के मिरर यूज करती थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो मलका सबा वाले थे, वो भी सूरज को पूजने वाली कौम थी, जो कहीं मिली थी, यानी वो लोगों की नजर में नहीं थी, मगर उसने खुद ने देख लिया था जब वो निकला था। तो उसने कहा कि मैंने एक ऐसी कौम देखी देखी, यानी वो कौम उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर में नहीं थी। और ये दो निशानियां हैं, अब इस इसमें कौम की तरफ इशारा हो रहा है। जी एक और बात थी कि अब देखिए, एक इंसान एक होगा और यजूज मजूज वो 999 होंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, अब इसकी जो रिसर्च है, ये आप पूछना चाह रहे हैं क्यों होंगे? इसकी जो तादाद है इसी दुनिया में ही है अगर, वो तो वो इतने ज्यादा इनकी जो है तादाद वो किस तरह एक दीवार के पीछे रह रही है, एक दीवार के ये पीछे बात तो है नहीं ना, थोड़ी। ये दीवार तो है ही नहीं, दीवार नहीं, ये बंद है, ये जमीन के नीचे की तहों की तरफ से निकल रहा है। ये लोग जहाँ चाहते थे पोर्टल खोलना चाहते थे, ये पहाड़ियों के ऊपर मिसर की तरह की तराश फराश करते थे पोर्टल्स के लिए। ये इनका पता क्या था, ये फ्रॉन थे। फ्रॉन होते हैं कि फ्रॉनों को होता है कि भाई दुनिया के, क्योंकि हम अपने आप को खुदा कहते हैं, तो हमें दुनिया के बाहर की भी हमें एक्सेस होना चाहिए। उन्होंने बनाया हुआ था, फ्रॉनों का सिस्टम ये था, फ्रॉन जो थे ना, वो अपने आप को खुदा कहते थे मुख्तलिफ चीजों का। मगर इन्होंने चालाकी ये की हुई थी कि उन्होंने कहा था कि एक खुदा होता है कहर का, वो कहते थे हमारे बाप दादाओं में से एक कहर का खुदा है, जो सारी बुराइयां है ना उसके पास से आती हैं और सारी अच्छाइयां हमारे पास से आती हैं। तो उन्होंने अपने आप को बरियुज़िमा करने के लिए एक कहर का खुदा बनाया हुआ था, ठीक है, और अपने आप को जो है उसका खुदा बनाया हुआ था, नहीं किया अच्छाइयों का, अमन का, मोहब्बत का। अब वो कहर के खुदा को ये नहीं कह सकते थे कि ना नजर आने वाला खुदा, ना नजर आने वाला खुदा कहते थे तो लोग नबियों की बात सुनना शुरू कर देते कि एक खुदा होता है जो ना नजर आने वाला होता है, किसी की पूजा ना करो, ठीक है, अनदेखे खुदा को पूजो, ये वाली बात वो मानने लगते। इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो खुदा है, जो कहर का खुदा है, वो सूरज है, ताकि लोग कहर के खुदा की तरफ भी रखें कि ये जो सारी बुराइयां आई हैं फ्रॉन की तरफ से नहीं आई, फ्रॉन को प्यार भी करते रहे, उसको चाहते भी रहे कि फ्रॉन बड़ा अच्छा है, ठीक है, जो भी फ्रॉन है वो अच्छा है, मगर वो कहर के खुदा के ऊपर भी ले लें कि भाई ये जो बुराई है वो बड़े वाले खुदा की तरफ से आई है, और बड़े वाला खुदा सूरज है, यानी पूजना सूरज को है कि किसी ना किसी चीज की पूजा की तरफ लगे रहें, ये अनदेखे खुदा की तरफ, यानी मुसलमानों के खुदा की तरफ ना जाएं, क्योंकि मुसलमानों के साथ तरबियत हो रही थी। तो इनका ना कॉन्सेप्ट ये था। तो मैं बता क्या रही थी, टॉपिक क्या था हमारा, हाँ, तो ये जमीन के नीचे वाली बात है ना, तो इन लोगों को ये था कि खुदा जाहिर बात है तो खुदा बनकर दिखाना है, तो उन्होंने खुदा को, अभी भी आप देखेंगे वॉर ऑफ गॉड्स वगैरह और देखते हैं, और स्टार ट्रैक देखते हैं, स्टार ट्रैक में आपने क्या देखा, देखिए कभी किसी ने स्टार ट्रैक, नहीं, मूवीज का शौक तो नहीं मैंने इसकी समरी देखी है, पूरी तो मैंने भी नहीं देखी, मगर इसकी समरी देखी है जो इसी रिसर्च के दरमियान में मुझे पता चली, उसमें भी हॉरस की आई है, हॉरस की आई बकायदा उसकी कट्स के साथ, बकायदा वो इल्यूमिनाटीज की जो आई होती है ना पर्टिकुलरली, वो हॉरस की यूज करते हैं, जो फ्रीमेसन होते हैं वो दो तरफ की आई को मिक्स करके उसकी किनारियां नजर आ रही होती हैं, वो ऑल थिंग आई, यानी वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों मिक्स करके होती है, उनकी किनारियां इस तरह से, उनके ऑप्टिक नर्व्स वगैरह नहीं। तो हॉरस की आई का लॉकेट पहन के वो बंदा जाता है दूसरी दुनिया की, पोर्टल खोल के दूसरी दुनिया में रा गॉड बैठा हुआ है। अब रा गॉड जो है उनका सूरज है, मगर वो कहते हैं कि ऐसा खुदा जिसने सारे खुदाओं को बनाया है, यानी वो निशानियां अल्लाह ताला की मिला रहे होते हैं, मगर वो उसे कहते हैं सूरज है। अब वो स्टार ट्रैक में दिखा रहे हैं कि जब वो लॉकेट पहन के बंदा गया है, जो हजारों साल पहले किसी एलियन का, यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए बंदे का था, तो वो लॉकेट उसे मिला और वो पहन के गया, तो लोगों ने उसके आगे सजदा किया, दूसरी दुनिया में जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा असल खुदा है, ठीक है, लॉकेट पहने हुए बंदे को देखकर, यानी वो असल खुदा हॉरस है, निशानी है। उसके बाद रा जो है वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है, जो जब यहाँ पे एलियन आया था, वो एलियन मरा गया था, या पता नहीं वो कहीं गायब हो गया था, उसे कहीं बंद कर दिया गया, मगर क्या किया, वो बच्चा उस शिप में वापस चला गया था, उस पोर्टल पर, यानी उस दूसरी दुनिया में जहाँ पे असल खुदा रहता है, और वहां पे वो खुदा बन के बैठा है, झूठा खुदा बन के, रा गॉड बन के, और वो एक बच्चा है 14-15-16 साल का, जिसके जब उसे कभी गुस्सा आता है किसी एक बंदे पर, तो वो कहर नाजिल कर देता है सबके ऊपर। तो अब क्या है कि वहां, यहाँ से वहां जाना है, उस गॉड को हराना है, कहर के खुदा को हरा देंगे तो अमन ही अमन रह जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बिठाया जा रहा है। इससे निकलती है देइज्म की जड़, देइज्म की जड़ निकलती है कि आपने लोगों को, आम बंदा भी कहता है कि खुदा है, पहला लेवल क्या होता है एथिज्म का, कि खुदा को मानते हैं मगर कहते हैं खुदा ऐसा क्यों है, ठीक है, ये जो मुसलमान भी है ना जो उस तरफ जा रहे हैं एथिज्म की तरफ, पहला उनका लेवल क्या होता है, जो सर साहिल अदीम से जिस बंदे ने 1 घंटा बहस की थी, वो एथिस्ट नहीं था, वो देइस्ट था। देइस्ट क्या होते हैं, वो खुदा को मानते हैं मगर कहते हैं खुदा ऐसा क्यों, खुदा की बातों से वो करते हैं एग्री नहीं कर रहे होते, खुदा पे नाराज होते हैं वो लोग, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा को मानना छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी पहले खुदा से बगावत,
उसके बाद खुदा को मानना छोड़ना है। और ये खुदा से बगावत किस तरह से आ रही है, ये जो गॉड्स की जो ये वार दिखा रहे हैं ना, ये आगे के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि गॉड्स अमन का गॉड है तो वो कहर के गॉड को लेकिन मारेगा। तो जी लेकिन क्वेश्चन मुझे ना वो अभी भी समझ नहीं, बात फिर तो कहीं और तरफ चली गई है कि वो इतने ज्यादा हैं तो वो हैं आप किधर, किस तरफ, यानी कि जमीन में या जमीन के नीचे इतने हैं जमीन के कि नीचे पोर्टल्स है खोल के और किसी जमीन जो दूसरे। है ना वो जुड़ी हुई है, ठीक है। जजीरा जजीरा बहुत बड़ा है, ठीक है। ये जो आपका लैटिन अमेरिका, ये छोटा नहीं है, ठीक है। इस बहुत बड़ा है, मगर ये है कि गहराई, इतनी गहराई में जाती है जमीन, और उसके बाद क्या होता है कि वो आपस में कोई जमीन जहां जुड़ रही है अंदर अंदर ही अंदर। क्या चला कर, थैंक यू, नहीं शुक्रिया। तो जो है अब वो जो जमीन नीचे जाकर जब जुड़ती है, तो वहां से जो है ना, यानी कहते हैं ना कि जब वो होगा कि सारे के सारे लोग, यानी हर उससे वो निकल के आ रहे होंगे, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को खेमों की तरह भी कहा है। तो खेमे किस तरह से, या जो मेखे, मेखों की तरह, मेखें क्या होती हैं, कीने होती हैं। तो कुछ इस तरह का है जो कनेक्ट हो रहे हैं पहाड़ों के नीचे से। अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते, जैसे कि वो एक रास्ता बनाया हुआ था ना जिससे वो गहराइयों में, गहराइयों की तरफ जाता था, तो इस तरह के रास्ते हैं जिनको अल्लाह ताला खोल देगा, जो कीलों की तरह है, शायद वो पहाड़ों की कीलों की तरह वो बने हुए हैं, मगर जब अल्लाह ताला खोलेगा तो वो सारी के सारी फट पड़ेंगे, जैसे लावे की तरह होते हैं ना, जैसे लावा उबलता है वो रास्ते खुल जाएंगे, और सारे रास्ते एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी वो जमीन की उस तह तह के अंदर से वो सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। जो समुद्रों के नीचे जो जमीन है, शायद वहां से जाके मिल रही है वो, और वो इतनी गहराई के अंदर है, मगर उनका रास्ता, असल रास्ता जो एक है, जो अभी जो है, जो बंद किया हुआ है, वो माचू पिचू में उस जगह पे खुलता है। अब वो इतने ज्यादा कैसे हैं, वो इस तरह से है कि आप इनोक के बारे में जब पढ़ेंगे, हजरत इदरीस के जमाने में बहुत अननेचुरल चीजें हो रही थी, ठीक है। उस वक्त हारूत मारूत आके गए थे, हारूत मारूत नूह अलैहिस्सलाम से पहले आए हैं, या आके चले गए हैं, या फिर उन दिनों में आके गए हैं, मगर वो आए हुए तो हजारों साल से थे। हारूत मारूत आपको हिस्ट्री में मिलते हैं थोट और हरमेसिस के नाम से, जिन्होंने हजारों साल जिंदगी जी और मरे नहीं, और वो किताबें लिख कर गए, और उन्होंने लोगों को जादू टोने और साइंस की भी वो दी। तो हमारे पास एक दोहराबाजी होती है, उन्होंने बताया था कि हारूत मारूत के बारे में उन्होंने पढ़ा है कि उन्होंने साइंस भी उनका भी इल्म दिया था, मगर साइंस का इल्म कोई नहीं लेता था उनसे, उनसे ज्यादातर लोग सिर्फ जादू टोना सीखते थे। तो वो उन्होंने कोई इस्लामिक बुक्स और कोई हिस्ट्री बुक्स में उन्होंने भी पढ़ा हुआ था ये। तो थोट और हरमेसिस पे मुझे पहले शक होता था कि शायद बाबिल जो है वो तो शायद मूसा अलैहि सलाम के बाद कभी ईजाद हुआ हो वो शहर, मगर बाबिल के बारे में इनोक में भी हजरत इदरीस अलैहि सलाम का भी जिक्र है कि वो बाबिल में थे, यानी बाबिल हजारों साल पहले से कदीम शहर है, यानी तो वो उस वक्त भी था। वरना मुझे जहन में आता था कि शायद वो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के वक्त में बाबिल था, तो वो उस वक्त आए थे, वो तो एक ही शहर में आए थे, मगर ये हजारों साल पहले से वो लोग आए, और उन्होंने हजारों हजारों साल की जिंदगी जी, और जो उन्होंने सिखाया इल्म, उसकी वजह से बहुत बहुत तबाहियां हुई। उन जो फॉलन एंजल्स कहा जाता है हजरत इनोक की बुक में, हजरत इदरीस की बुक में, इनोक में, उसमें बताया जाता है कि फॉलन एंजल्स आए थे, उसमें वो मिराज का सफर, जैसे मिराज का सफर की जब मिराज की आप जब सूरह पढ़ते हैं ना, तो मिराज के साथ ही अल्लाह ताला ने आखिरत का जिक्र किया है, रोज़े क़यामत का। और जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी जिस तरह का नक्शा खींचते हैं, उन्होंने भी एक इसी तरह का सफर किया था बिल्कुल, और उन्होंने शायद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, और इसी तरह से फर्श लगा देखा था, अल्लाह ताला का तख्त लगा देखा था, और इस तरह से ही सब कुछ देखा था, जैसे रोज़े क़यामत में घटा होगा ना, इस तरह का उन्होंने सिचुएशन देखी थी। और जब मिराज का जिक्र करते हैं तो उसके बाद बिल्कुल वही वाली सिचुएशन, अल्लाह ताला क्यामत की बात शुरू कर देते हैं, क्यामत के दिन की, कि उस तरह से तख्त लगा होगा। तो उससे लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद हजूर अकरम सलम को भी शायद मिराज का ही दौरा करवाया, क्योंकि हजरत इदरीस को सेम इसी तरह का दौरा करवाया था, यानी रोजे आखरत का दौरा, हशर का दौरा करवाया, और उसमें सारे आसमानों की सैर करवाई है। तो खैर, तो जो है इदरीस अलैहि सलाम के वक्त में फॉलन एंजल्स की बात उन्होंने बकायदा अपने उसमें की है, और उस वक्त में ये था कि एंजल्स और उसके अलावा जिन्नात भी थे जो इंसानों के साथ अपनी वो कर रहे थे, नस्लें बना रहे थे, और बहुत अजीब और गरीब किस्म के काम थे। इंसानों के साथ कैसे नस्लें बना रहे थे, उनको कॉन्टेक्ट कैसे हुआ उनका इंसानों के साथ, ये हारूत मारूत की जो जादू टोने की जो अल्लाह ताला ने खुद नाजिल किया था, लोगों को आजमाइश में डाला था, हम लोगों को सिर्फ हिंट दिया है मियाँ बीवी की लड़ाई का, मगर वो इतनी सी बात नहीं है। कुरान शरीफ में एक एक लाइन के हिंट्स हैं, क्योंकि वो आखिरी बुक है और वो एक छोटी सी बुक है, मगर अल्लाह ताला ने क्या किया, उसने बहुत एक एक लाइन की जो चीजें बताई हुई ना बाइबल्स में, कई कई पेजेस पर उसके पे बात हुई है। याजूज माजूज के पूरा स्ट्रक्चर, उनका खाना पीना सब कुछ अल्लाह ताला ने बाइबल में पेजेस में बताया हुआ, पूरा चैप्टर बनाया हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बाइबल को नहीं मानना, बाइबल असल बाइबल वर्ड होता है किताबों का मजमुआ, यानी वो तौरात, जबूर, इन सब का मजमुआ है,
क्रिश्चियंस की बाइबल में क्रिश्चियंस वाले चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, जो हजरत उन पर जो इंजील भी है, मगर जो जो उसकी यहूदियों की बाइबल है उसमें वो इंजील नहीं रखते। माँ बाइबल असल है उन सारी उनका मजमुआ जो जो उनके हासिल था जो जो नबियों का। तो अल्लाह ताला ने कहीं पे भी नहीं कहा कि बाइबल को नहीं मानना, यानी तौरात इंजील को नहीं मानना। अल्लाह ताला बार बार तौरात और इंजील का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि तौरात इंजील काफी हद तक अपनी असल हालत में है। तौरात भी बहुत अपनी असल हालत में, मगर लोग उससे मायने गलत अखज कर लेते हैं। हेब्रू अभी भी असल हालत में मौजूद है, मगर लोग ट्रांसलेशन की जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश हेब्रू मुश्किल है, लोग इंग्लिश की ट्रांसलेशन के ऊपर अपनी तस्वीरें बना देते हैं जिसको कमेंट्री कहते हैं, और उसके ऊपर ही अलग अलग ट्रांसलेशन, एक बंदा दोबारा ट्रांसलेशन को रिपीट करता है तो लहजे बदलते जाते हैं। जैसे हमारी अरबी की ट्रांसलेशन का हम लोग कंपेरिजन करते हैं और किसी को चूज करते हैं, किसी को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं किसी ट्रांसलेटर को, इसी तरीके से बाइबल्स में भी ट्रांसलेशन का है। मगर ये नहीं कि बाइबल्स झूठी हैं, अगर ऐसा होता तो कुरान शरीफ में बाकायदा जिक्र होता कि ये इस काबिल नहीं है कि इन्हें पढ़ा जाए, मगर ये जरूर बताया कि कुछ तब्दीली किसी ने की तो उसको अजाब भी हुआ, यानी वो तब्दीली इतनी बड़ी नहीं है कि अल्लाह ताला उसे पढ़ने से मना कर दे, बल्कि अल्लाह ताला ने बाकायदा अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि यहूदी उन लोगों से कह दो, यानी यहूदियों और क्रिश्चियन वगैरह के लिए, कि जब तक तुम सारी सारी किताबों को नहीं कायम कर लेते तुम ईमान नहीं ला सकते, तुमने सारी किताबें कायम करनी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सारी पिछली किताबें छोड़ दो और सिर्फ कुरान शरीफ को कायम करो, ये चैप्टर्स की तरह है। कुछ चीज़ें जो उन चैप्टर्स में है वो यहाँ पर नहीं है, मैं उनके हिंट्स हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान दूसरी किताबों की तस्दीक करता है, तो जो है उसके अंदर जो डिटेल है उस हिसाब से बहुत सी चीजों की। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों का अल्लाह ताला ने दो मरतबा जिक्र कर दिया, इसका मतलब सहीफे कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। एक है सेकंड बुक्स में द डेड सी स्क्रोलिंग के नाम से है, उसके अंदर कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों की कॉपीज हैं, कुछ हिस्से हैं, और भी कहीं है किसी म्यूजियम में शायद, मगर वो छुपा दिए गए थे या फिर गुम गए थे या क्या हुआ था, मगर ये कि डेड सी स्क्रोल के अंदर है। और जो है उनकी अल्लाह ताला ने बार बार अगर कहा है तो हमें उससे कोई बहुत बड़े हिंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में, जैसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त का दौर के जिक्र किया तो बहुत अजीबो गरीब दौर था उसका, जिन्नात का जिक्र था, जिन्नात का दौर था, जिन्नात इंसानों के साथ मिलकर अजीबो गरीब चीजें बना रहे थे और वो ना मरने वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, उनके वो जिन्नात होते थे। अब आप बाइबल में देखेंगे तो जब शैतान का जिक्र है, शैतान वाले चैप्टर में सिक्स रूम में या फिफ्थ रूम में, आपको पता चलेगा गोग मागोग फिफ्थ रूम है और सैतन जो है वो सिक्स रूम है, तो जब आप उनमें पढ़ रहे होते हैं तो वो बकायदा कहते हैं कि सोल और स्पिरिट्स, दे आर सोल एंड स्पिरिट्स, यानी सोल के साथ उनकी स्पिरिट भी है, यानी दो किस्म की चीज उनके उनके जिस्मों में है। स्पिरिट जो है ना वो उनको मरने नहीं दे रही, यानी एक शैतानी स्पिरिट भी उनके उन्होंने अपने अंदर रखी हुई है और उनके अंदर सोल भी है, तो वो एक ऐसा मजमुआ बने थे शैतानियों से कि जो मरता नहीं था, जिसका जिस्म मर नहीं रहा था, मगर वो अल्लाह ताला के अजन से मरेंगे, मगर उनको लगता है कि उन्होंने शायद वो फतह पा ली है अपने मरने पर, वो नहीं मरते, इसलिए वो अभी भी जो है ना इंतजार में है जमीन के नीचे कि जब हम निकलेंगे तो हम फतह कर लेंगे, क्योंकि हम लाफानी है शायद, मैं उन्हें पता नहीं कि जी अल्लाह का कुन होना है और वो मर जाएंगे। कहते हैं ना हलक से उनकी जान जाएगी, एक ही जान जाएगी, यानी एक मौत होगी, क्या कहते हैं, सिंगल मौत होगी उनकी, एक लम्हे जी वो में। उनके जो खुशी जो निकलेगी दाना निकलेगा गर्दन के पास, उससे सब सब दाना वो शाना हलाक तो हो लोगों ने जाएंगे। अंदाजे लगाए हैं, दाना शाना अंदाजे लगाए हैं, एक लम्हे के अंदर दाना, दाने से बंदा नहीं मरता, वो असल में शहद ये अल्लाह भी कहिए, ताला, ये तो जब भी क्या कह रहे, अंदाजा कि जो दो बातों की, और ये भी तो नहीं अंदाजा कि आसमान की तरफ तीर फेंके तो खून लगा तीर नीचे आएगा जमीन पे, कि हमने ऊपर वाले खुदा को भी नौज बिल्ला मार दिया और अब हम जमीन पे रहेंगे आराम से अपने। ये तो हदीस है ना, ये अंदाजा लगाने वाली बात तो नहीं है, मगर जो अच्छा ये हलक हदीस है, जान मैंने जाने मुझे वाली नहीं बात है ना, उस पता। पे लोगों ने कहा कि शायद वायरस हो जाएगा उन्हें कोई, या शायद कोई दाना निकल आएगा, ये शायद लगाया जाता है, ये प्योर नहीं बताया जाता कि हलक से जान निकलेगी, ये तो बोला गया है। अब देखिए अल्लाह ताला हलक के करीब है, चेहरे के करीब है अल्लाह ताला की, उन्हें ये नहीं पता, वो लोग समझते हैं कि हम लाफानी हो गए, दज्जाल भी समझता है कि हम मैं लाफानी हूँ, मगर अल्लाह ताला ने उनको देखिए 3,000 साल जमीन के नीचे बिट भी बिठा दिया, उसकी गर्मी की तकलीफ भी दे दी, बाइबल में बकायदा है कि लेक ऑफ फायर है उनके पास, मगर वो इतनी लाइट है कि वो बंदा मरता नहीं, वो लोग जिसम तो उन्होंने अपने लाफानी किए हुए ना, तो तकलीफ में भी गुजार रहे हैं और जिंदा भी हैं। मां जब वो बाहर निकलेंगे और वो समझेंगे कि पता नहीं हम कोई बड़ा तीर मार लेंगे, हम लाफानी है, तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहि सलाम की दुआ पर एक कुन कहेंगे, एक कुन उनके हलक से सबकी एक साथ जान निकालेगा, समझ रहे हैं। जी, समझ गया हूँ, समझ आ गई। तो उसमें कहीं पे भी किसी भी बीमारी का जिक्र नहीं, सिर्फ ये वो होता है कि एक जान निकलेगी हलक से,
एक मौत का शिकार होंगे। अब एक मौत कभी भी नहीं आती, किसी भी वायरस में एक लम्हे के अंदर सारे के सारे लोग नहीं ढेर हो जाते, कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होता है। वरना तो अल्लाह ताला दुनिया से बाहर से हजारों साल की जो दूरी से एक बंद आ रही होती है, वो चीजें आना शुरू होती हैं, एक पत्थर आना शुरू होता है, और अल्लाह ताला ने उसका वक्त का उसकी सेकंड मुकर्रर किया होता है कि दुनिया में इस वक्त आएगा और जिन जिन लोगों को मारना है उनका नाम उसके ऊपर लिखा होगा, और जिन लोगों ने बचना है अल्लाह ताला ने उनके बचने की वो भी निकाली हुई होती है, सिचुएशन भी निकाली होती है उस लम्हे में, मगर वो हजारों साल पहले से उसका सफर शुरू हो चुका होता है। ठीक है ना, तो इसकी जो है ना बकायदा जब बंदा मर रहा होता है, जाहिर होता है कोई बीमारी होती है तो बंदा इस तरह से नहीं मरता कि एक लम्हे के अंदर सब मर जाएंगे, ऐसा ऐसा तो इम्पॉसिबल थी, यानी साइंस वाली बात ही नहीं है ना। कोई एक लम्हे बाद मरेगा, कोई एक दिन बाद मरेगा, कोई फलां तड़प के मरेगा, एक तो वो वायरस फैलेगा, तो एक साइंस होनी चाहिए, या तो वो बाहर से आ रहा हो, एक पत्थर आ रहा हो और वो एक धमाके से खत्म हो रहे हो, अलग से निकलने की बात ही ये है कि अल्लाह ताला की कुन के मोहताज हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो उनकी लाफानियत सिर्फ उनकी आजमाइश है अल्लाह ताला की मर्जी से। जब तक अल्लाह ताला उनके जिस्म में रूह रखना चाहेगा तो रूह रहेगी ना, भले वो अपने जिस्म को उनकी डिजनरेशन नहीं हो रही, ठीक है लाफानी कर दें, मगर जब जिस्म में रूह ही नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा। जी अभी भी जो उनका जिस्म है वो सिर्फ स्पिरिट पे हाँ नहीं है, ठीक कि उनके जो बाइबल में जिक्र हो रहा है स्पिरिट और रूह दोनों का जिक्र हो रहा है, यानी अल्लाह ताला की दी हुई रूह अभी भी उनके जिस्म में है, ठीक है, मगर जैसे अल्लाह ताला रूह निकालेगा तो उनकी स्पिरिट किसी काम नहीं आएगी जिस्म के अंदर की। दूसरा सवाल क्या आपका? नहीं, बस यही पूछना था, यही फिलहाल यही था और जो मेरी क्वेश्चन वाली मेरा। रिसर्च है ना वो बहुत क्विक सी रिसर्च है, 100 स्क्वायर फीट की जगह बंदा खंगाल नहीं सकता, जिसकी लोकेशन भी पता हो, उन पहाड़ियों के नाम भी पता हो, वहां पे तो जाते ही साथ एक हफ्ते के अंदर बंदा टीम बैठेगी और मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर पता चल जाएगा कि कोई चीज वहां पे है या नहीं, कोई छुपा हुआ रास्ता, और फिर बात क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर जैसे ही होगी तो हमारा काम स्टार्ट होता है। हमारा काम कैसे स्टार्ट होता है? लोग हमें सुनेंगे, लोगों को पता चलेगा कि कुरान शरीफ के अंदर असल निशानी थी। यहूदियों को भी यकीन आएगा कि कुरान शरीफ उन्हीं की किताबों में से, क्योंकि यहूदी नहीं मान रहे होते। ज्यूइश के आप प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको अफसोस हो रहा होता है, मगर कभी भी वहां पे जाके आपने उन्हें गाली गलोच नहीं करनी। आप उनकी अगर फेसबुक ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बड़ा गुस्सा आएगा, जैसे आपको उन पे गुस्सा आ रहा था ना मोहम्मद अली मिर्जा पे, वहां पे तो इतनी क्या क्या सुनने को मिलेगा। मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने उनके खुदा को ना गाली दो, हो सकता है वो पलट के आपको आपको गाली दे दें, आपके खुदा को, और फिर उसका सदा सजावार आप भी होंगे। अब खुदा तो हमें भी पता है कि उनका खुदा और हमारा खुदा एक ही है, मगर वो यहवा कहते हैं। यहवा कहते हैं तो अक्सर मुसलमान ऐसे ऐसे मुंह बना रहे होते हैं और ऐसी बातें बना रहे होते हैं जैसे कि यहवा किसी और को कह रहे हैं। इतना तो हम सबको ही कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहवा कहें या अल्लाह कहें, हमारा उनका खुदा एक ही है, हम लोग एक ही खुदा की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी मुसलमान के नाम चेंज है तो उसको एक अलग ही खुदा समझ रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ये गलत करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि दूसरी चीज ये है कि हम लोग कोई मुश्किल करने वाली आयत डायरेक्ट डाल दें कि अल्लाह ताला ने कहा कि उनको ये सुना दो। अल्लाह ताला ने तो और बहुत सी चीजें भी कही हैं कि ऐसे तरीके से बात करो जो तुम लोगों में कॉमन है, उसके ऊपर बात करो, और बहस करने से जब आयात पे बहस हो रही हो, जब तुम देखो तो वहां से हट जाओ जब तक कि वो उस बहस को खत्म ना कर दें, अगर तुम उन बहस में करने वालों में शामिल हो तो तुम्हारे ऊपर सख्ती होगी। तो अल्लाह ताला ने तो और बहुत सी चीजें भी कही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे ही हमारी रिसर्च कंफर्म होगी तो बहुत से लोग जो हैं हमें सुनेंगे, और हमें सिर्फ यहूदी नहीं सुनेंगे, इल्यूमिनाटीज और फ्रीमेसन्स की नज़र में भी हम लोग आएंगे, वो भी सुनेंगे। अगर वो बहुत अमीर अमीर लोगों में से अगर हम किसी को मुसलमान कर देते हैं, लोगों को अपना पैगाम पहुंचा देते हैं, उनकी असलियत सिर्फ जाजूज माजूज की पॉइंट नहीं खुल के आ रहा लोकेशन का, उसके बाद दज्जाल की हिस्ट्री खुल के आ रही है, उनके अजाइम खुल के आ रहे हैं, उनकी सेक्रेट बुक्स में उनका जिक्र खुल के आ रहा है, ठीक है, हम बहुत लोगों को कैप्चर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम लोग जैसे सिर्फ नियत होती है ना, उस वक्त मुझे उकसाया था सर साहिर अदीन ने अपने सेशंस में, पैलेस्टाइन पे हर एक को उकसा रहे होते हैं, वो अच्छी बात है, मगर हम लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे होते। तो समझे कि उनके सेशन में जो मेरा एक था ना, जो जो चीजें मेरे दिल में थी अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खुद ब खुद निकाल रहा है। अब मैं देखती हूँ तो पैलेस्टाइन भी हाथ में आता है, पैलेस्टाइन के अंदर आपके मुसलमान एक तो होते हैं कि जहाज से उनको फतह करो, जहाज से तो उस वक्त फतह करेंगे ना कि जब जंग हो रही होगी, जब जंग की सिचुएशन होगी ना, जब मुल्क आप रूल तोड़ रहे होंगे, जब अमन का रूल तोड़ा जाएगा और WHO का कोई वो नहीं रहेगा, वो नहीं कह पाएंगे कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि सब ऐसा कर रहे होंगे, सब सब में आपस में जंग चल रही होगी, सब जंग जायज हो जाएगी, जब हालत जंग में जंग सबके लिए जायज हुई भी होगी तो उस वक्त जंग करना बनता है, मगर अभी जंग करना नहीं बनता। अभी दूसरी सिचुएशन क्या बनती है कि यहूदियों का दिल नरम होगा जब उनको पता चलेगा कि हमारी हमारे दीन में सच्चाई है, और हमारा दीन और उनका दीन एक ही है, एक ही सीरीज है, तो मुसलमानों पे से उनका
अजाब और कहर भी कम होगा। समझ में आ रहा है? जी समझ तो आ रहा है, लेकिन यहूदियों का हमारा दीन एक जैसा, ये चीज नहीं समझ आ रही आपकी, आपकी क्या बात करी। ये समझ में नहीं आई। यही तो ये कि अब इस्लाम ने तो एक अलग शरीयत है इस्लाम की, और उनका तो एक अलग शरीयत का निज़ाम था उनका, वो तो उनका खत्म हो बहुत गया ज्यादा जब। चेंज नहीं था उनका शरीयत। उनकी शरीयत में दो तीन चीजें थी जो नई थी। अब अगर वो जब कुरान को मानना शुरू करेगा उनमें से जो जो बंदा, तो जाहिर सी बात है शरीयत भी अडॉप्ट करेगा। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है शरीयत में। जो चेंजेस हैं तो जाहिर लेकिन सी बात है एक कुरान को एक्सेप्ट करेंगे तो वो फिर हदीस का एक करेंगे। मतलब मेरे माइंड में एक हदीस का एक मफहूम भी आ रहा था कि जब आखिरी दौर में तुम पाओ तो कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लो, फिर इसमें हम बाइबल को उनको किस उस उनको किस तरह से पकड़ेंगे। देखिए अब ये तो देखे ना सारी मैंने निशानी साहब की। देखिए मैंने जो है ना अभी रिसेंटली कुछ लोगों से डिस्कशन करी थी जो आसमानी किताबों को और को नहीं मानते, वो कहते हैं कुरान के अंदर ही इंजील और तौरात, और तौरात और इंजील कभी अलग नहीं थे, एक ही किताब नाजिल हुई थी शुरू से। उसके ऊपर जब मैंने डिस्कशन के लिए मैंने पॉइंट्स निकालना शुरू किए तो मुझे इतनी वाजा आयात अल्लाह ताला की मिली नजर आई जिसमें अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि तौरात और इंजील, तौरात और इंजील को देखो, तौरात और इंजील को समझो। और यानी मुसलमानों को भी कहा गया कि तौरात इंजील यानी सारी इन किताबों को जो नहीं मानते जो पहले भी आ चुकी हैं, ठीक है, तो वो मुसलमान ही नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि हम अगर उनकी किताब को नहीं मानेंगे तो वो हमारी किताब को नहीं मानेंगे। हम नहीं लोग उनको इनको तो बीच में ला रहे हैं, हम इनको बीच में ले आते हैं। उन किताबों पे तो ईमान है, उन किताबों तो ईमान मुकम्मल ही नहीं है मुसलमान का। लेकिन अब कुरान को पकड़ना और हदीस को पकड़ना, ये तो एक वाजह है कि उनके ऊपर ही अमल किया जाए, इसमें उनके थोड़ी सी ना ऊपर अमल करना है। कंफ्यूजन देखिए है। शरीयत हमें कुरान और हदीस से मिलेगी। हम शरीयत की बात नहीं कर रहे, हम हिस्ट्री को जोड़कर, पजल्स जोड़कर उनका दिल कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। यही डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं। जाकिर नाइक शरीयत उनकी नहीं लेता, शरीयत फाइनल है कुरान में। जो शरीयत हम ये नहीं कह रहे कि हम उनकी शरीयत लेंगे, वो हमारी शरीयत पिक करेंगे। जब उन्हें हकीकत पता चलेगी कि इस्लाम ही असल वो है, उन्हें ये तो पता है ना कि मोहम्मद ने आना था, उन्हें ये भी पता है कि जी ईसा ने आना था ना, वो हजरत ईसा इस्लाम को मानते हैं कि वो हजरत ईसा आए हैं। वो कहते हैं हजरत ईसा भी अभी आएंगे, क्रिस्ट भी अभी आएगा और मोहम्मद मसीह भी अभी आएगा। मोहम्मद यानी मसीह, वो मसीह को लेते हैं मोहम्मद, और क्रिस्ट लेते हैं कि वो जो आएंगे, तो यानी वो सब लोग फाइनल एंड में आएंगे। यानी अभी अभी बहुत टाइम है, अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, कहते कहते दुनिया खत्म होना शुरू हो गई है, ठीक है। और वो लोग आके भी चले गए, उन्हें यकीन नहीं आता। मगर जब वो देखेंगे कि तीन किताबों में अलग अलग जगहों पे जहाँ पे आ रहा है इन पहाड़ों का और इन याजूज माजूज का जो जिक्र आ रहा है, उनके पास तो सिर्फ ये था ना सन ऑफ मैन और वो मेशेक के प्रिंस मेशेक और ट्यूबल के प्रिंस से बात कर रहे हैं, जो गोग में से है, मगोग का गोग है और मेशेक और ट्यूबल का प्रिंस है, उससे बात कर रहे हैं। और उसके बाद गोग और मगोग की खाका खींचा गया है उनकी बाइबल में कि वो कैसे होंगे और किस तरह के लोग हैं जो जानवरों को खा जाते हैं, जो बच्चों को पका के खा जाते हैं। तो वो साइड उनके बारे में बताया गया है, मगर जो कहाँ बंद है, किस तरह से बंद किए गए, दो पहाड़ों को खींचा गया, 12 क्यूबिक का बीच में फासला रह गया, ये सब कुछ जो है ना ये इंजील में है और कुरान शरीफ में। तो जब वो मानेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये चीजें बुक्स हैं तो हमने इस बुक को फॉलो करना है। तो वो शरीयत में हर कोई नहीं आएगा, 100% कोई नहीं चेंज होगा, मगर बहुत से लोगों के दिल नरम होंगे जब उनको थोड़ा सा भी शक उनके दिल में जाके बैठेगा ना कि ये जगह एक्सप्लोर हो गई ये कुरान शरीफ की वजह से। तो ये यही वो हैं मोहम्मद, जो जो इंसान मुसलमानों के मोहम्मद थे वही हमारे मोहम्मद हैं। मोहम्मद मोहम्मद करके वो दीवारे गिरिया पे सटक कराते हैं, ठीक है। तो उन सबको पता है जी मोहम्मद ने आना था, मगर जब उनको पता चलेगा कि मोहम्मद मुसलमानों के मोहम्मद ही हमारे मोहम्मद हैं, वही किताब है जिसने हमारी इस राज को खोला है, अधूरे राज को पजल्स की तरह जोड़ा जोड़ा है, तो बहुत सो के जो लोग ईमान नहीं भी ला रहे उनके दिल जरूर नरम होंगे कि हम अपने ही लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान भी हम में से ही हैं, हम चलो ईगो में आके मुसलमान नहीं भी हो रहे, मगर दिल में शक पैदा होगा तो नरमी खुद पैदा होगी। और ये बहुत बड़ा हदफ है जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है। जी मैं आपकी बात क्लियर, अभी मुझे जरा थोड़ी सी क्लियर हुई, थोड़ी सी बल्कि प्रॉपर क्लियर होगी। तो जैसे ही ये रिसर्च हमारी कंफर्म हो जाएगी, रिसर्च जाहिर बात है कोई इस दरवाजे को खोलना नहीं चाहेगा, हाँ इल्लुमिनाटी जरूर खोलना चाहेंगे, उनके वो जो आंख का जो खाका है ना वो दो तरफ जा रहा है, जो कर्ल जा रहा है ना घूमकर छोटा हो रहा है, वो साफ पता चल रहा है कि एक छोटी सी जगह को पॉइंट आउट कर रहा है, वो हो सकता है दज्जाल का। तो उसको खोलने की भी कोशिश की जाएगी, मगर वो लोगों के सामने नहीं खोली जाएगी, वो खुफिया तौर पर खोली जाएगी, क्योंकि पीरों में उन लोगों ने अपने लॉजेस बनाए हुए इल्लुमिनाटी के लॉजेस हैं वहां पे,
फ्रीमेसन्स के लॉजेस हैं वहाँ पे, इल्यूमिनाटीज तो खैर हिडन एजेंडा होते हैं, वो नहीं अपनी बताते कि हम यहाँ पे हम वहाँ पे, हमारे फ्रीमेसन्स के लॉजेस वहाँ पे हैं। फ्रीमेसन सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाके इसी करते हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारा इबादत अच्छी होती है, हमारी हमारी वो पता नहीं दिमाग तेज होता है, ऐसा कि कोई उनकी अकायद है, मगर वो असल यही है कि वो इन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो है जाहिर सी बात है, जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा तो अंदर खाते जो है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो नीचे सीध में जाके टनल जा रहे हैं, एक टनल बिल्कुल उस तरफ कॉर्नर पर घूमकर, वो समझ लें वो मीलों का रास्ता होगा जो कवर कर रहा है उस तरफ को, दूसरी साइड को। तो वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, अंदर ही अंदर छुप कर वो दजाल को निकालेंगे, दजाल जाएगा, दजाल हो सकता है वो अब तक निकल भी चुका हो, हम लोग अभी एक्सप्लोर करने बैठे हैं इस जगह को, हो सकता है कि वो निकल भी चुका हो, एजेंडा चल रहा हो, क्योंकि एथेइज्म और देइज्म जिस तरह से फैल रही है तो कुछ पता नहीं कि वो आउट हो चुका हो। मगर वो वाला जो जगह है, जाहिर से याजूज माजूज का तो दरवाजा अभी भी बंद होगा ना, तो वो अगर एक्सप्लोर हो जाएगा तो लोगों को यकीन आ जाएगा, और हमारा काम, हमारा तबलीग का काम बहुत झटके से शुरू होगा, बहुत हैवी वर्क है। हम लोगों ने पॉइंट आउट करना है, सही तीर बिठाने हैं कि किस किस को हम लोगों ने निशाना बनाना है, हम लोगों ने इल्यूमिनाटीज को भी बनाना है, हमने फ्रीमेसन्स को भी, ये नहीं कि उनसे लड़ना है, हमने उनको तबलीग, उनको पूरी डिटेल हिस्ट्री की स्टडी करनी है, बेस की, जिस तरह मैं दजाल की और साइरस की कर रही हूँ, याम की कर रही हूँ, और हमने उनको हकीकत बतानी है कि जब उनको ये यकीन होगा ना कि इनकी बुक्स भी सही है, उसके हिसाब से इनको जो आखिरत का पता है कि आखिरत में तो दजाल ने मरना ही मरना है, उसके साथियों ने भी मरना है, तो हम उसका साथ क्यों दें जिसने पहले ही मरना है, जिसका पहले से पता है सबको कि उसने मरना है, और आखिरत क्या होनी है मुसलमानों को पहले से पता है, एंड क्या होना है दुनिया का। तो वो कुछ ना कुछ लोग तो अपने आप को सोचेंगे ना बदलने पर। और फ्रीमेसन्स में इतने अमीर अमीर, इल्यूमिनाटीज में इतनी अमीर अमीर फैमिलीज बैठी हैं, अरबपति खरबपति फैमिलीज है जो पूरी दुनिया को नचा रही हैं अपनी उंगलियों पे। अगर उनमें से कोई बंदा भी, अमीर बंदा अगर वो मुसलमान हो जाता है, वो मुसलमानों को सपोर्ट कर लेता है फाइनेंशियली, तो तो मुसलमानों का नक्शा बदल सकता है, ठीक है। तो हम लोग दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने ये जो, अगर मुझे ये नॉलेज दी है तो इसलिए नहीं दी कि ऐसी तुक्के में मुझे मिल गई, अल्लाह ताला ने छुपाई भी थी, अपने अदन से छुपाई भी थी, और अगर बताइए तो अपने अदन से बताइए, और अगर बताइए तो मेरा फर्ज है कि मैंने आगे पहुंचाना है, क्योंकि वरना फिर मेरे ऊपर जो है फरिश्ते गवाह हो जाएंगे कि मैंने अभी तक पहुंचाया, अपना काम किया नहीं किया, ठीक है। और ये नॉलेज ऐसी है कि ये कंफर्म है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बताई गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने छुपाई थी, आलमों से भी छुपाई, आलम दीन इतने बड़े बड़े थे, तफसीर लिखने वाले इतने बड़े बड़े थे, हर कोई दुनिया में लोग हैं, मैं उनको क्यों नहीं मिली, क्योंकि टाइम नहीं आया था, और अगर अल्लाह ताला ने टाइम बताया तो सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं मशहूर हो जाऊँ, अल्लाह ताला ने इसके साथ मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। अगर मैं थोड़ा, कहते हैं ना कुरान शरीफ में कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम थोड़ा थोड़ा बता के रुक जाते हो, रुक जाने वालों में से हो गए हो, तो अब मेरा काम, मुझे यही था कि ये चीज जो एक फितना बनाती है, क्योंकि फितना खोलने वाली चीज है ना, याजूज माजूज और ये दज्जाल तो फितना है, फितने को खोलने का सिर्फ बताऊंगा, पीछे हटके एंजॉय करूं अपनी शोहरत को, ये चीज तो बहुत बड़ा गुना हो जाएगी। इसके साथ फायदे क्या उठाने, इस मुसलमानों को इससे क्या क्या फायदा मिलना है ये भी देखना है, और बताना इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मुझे नॉलेज दी है तो यकीन बताने के लिए नॉलेज दी है, और ये चीज गैप को छुपाए रखने वाली चीज नहीं थी, उनके अल्लाह ताला ने बकायदा ये जो चीजें हिंट्स कुरान में दिए वो बताने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ही दिए, कि कभी ना कभी एक्सप्लोर होंगे, पजल्स की तरह बुक्स जुड़ेंगी, और लोगों को जब पता चलेगा, ईसाइयों की बुक को हम लोग भी मानते हैं तो उसको भी मानते हैं, मगर अगर हम लोग कहेंगे नहीं वो बुक्स ही गलत है, तो फिर वो कोई भी हमारे पास नहीं आएगा कभी भी। काकर नाइक ने ये नहीं कहा कि उन बुक्स को छोड़ दो, कुछ लोगों ने कहा कि हम ईमान ना लाएं, जरूरी थोड़ी कि हम मुसलमान कहलाएं अपना गोल का, नहीं, बुक मुसलमान ना कहलाओ मगर सारी बुक्स को पढ़ो, और उस बुक के अंदर है कि तुमने मोहम्मद को भी मानना है और उनकी कुरान को भी मानना है, तो बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि आप मुसलमान हो जाओ, ठीक है। जब बुक को मानेंगे और बुक के अंदर की चीजों को मानना शुरू करेंगे तो फिर मुसलमान होना आपका खुद ब खुद हो जाता है, यानी किसी और के कहने पर नहीं है, आप अपनी बुक के कहने पर हो जाओ। तो मगर जब आप अपनी बुक को ही नफी कर देंगे, ये बुक की भाई तुम्हारी सही नहीं है, तो फिर वो बंदा कहेगा फिर हम में और तुम्हें मुश्तरका क्या रहा, तुम अपने रास्ते चलो हम अपने रास्ते चलेंगे, वो ईगो आ जाएगा। कोई जब हमसे कहता है कि तुम्हारा नबी सही नहीं है, तुम्हारा कुरान सही नहीं है, तो हम लोग वहीं से रास्ता बदल लेते हैं, फिर तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं रहता ना, पॉइंट तो उसका कहता है जब हम कम्युनिटीज कॉमन चीजों पे बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? जी, मैं आपको यही वाला पॉइंट समझ गया था कि उनको समझाने के लिए उनकी बुक समझना जरूरी है कि ताकि उनको उनकी साइको से जवाब दे सके। जी हाँ, उनकी बुक समझना, उसका एहतराम करना जरूरी है, यहवा का एहतराम करना जरूरी है, यहवा भले नाम है मगर नाम अल्लाह का ही है, ठीक है। और उनकी बुक के अंदर इतना कुछ गहरा में चेंज नहीं हुआ, वा वो एक्सेप्ट नहीं करे कि जिसने आना था वो आ गया है, उनकी बुक में इतना चेंज नहीं हुआ। और जो असल जो प्योर हेब्रू वर्जन में जो बुक्स रखी है ना, सारी बुक्स, वो अभी भी उसी वर्जन में, तभी मैंने अभी हेब्रू सीखना शुरू किया है, बहुत मुश्किल है, महीनों लग जाएंगे,
वहाँ ये कि मैंने सीखना इसलिए शुरू किया कि मुझे ओरिजिनल वर्जन में मैं उसे पढ़ सकूँ, कम से कम ये पता चल जाएगा कौन सी आयत है कौन सी नहीं है, मुझे पढ़ने में पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई लिखी हुई है तो ये असल तो वो इस तरह का वर्डिंग नहीं यूज हुई भी कहीं पर, तो इतनी बेस मुझे पता चल जाए। वैसे तो इंशाल्लाह जब जो दुआ होती है, अब मुझे कुरान शरीफ की नहीं पता थी तर्जुमा, मैं कहती थी काश कभी पता चले अल्लाह ताला ने इतना कर दिया कि मैं खुद पढ़ रही हूँ दूसरों को भी पढ़ा रही हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते खोलता है कि जो चीज 2-3 महीने पहले आपके लिए इम्पॉसिबल होती है ना, वो आपके लिए ऐसे हो जाती है, हलवा बन जाती है। जाकिर नायक को मैं देखती थी, मैं कहती थी ये तो पता नहीं कमाल बंदा है, ये कोई मौजजा है अल्लाह का, ये कोई फोटोजेनिक मेमोरी है इसकी। तो अब क्या हुआ कि अब जब मैं इतना एंटर हो गई तो कुरान शरीफ मैंने पढ़ लिया, मुझे वो आयात पक्की याद नहीं, उनके नंबर से याद नहीं है, मगर नॉलेज मुझे भी हो गई कि कुरान में फला जगह ये है या नहीं, बाइबल में क्या क्या टॉपिक है। बाइबल भी मैंने पूरा अभी रटा नहीं है, बाइबल बीच में जो मैं रिसर्च निकालती हूँ तो मुझे नॉलेज हो जाती है जिन चीज़ों की, मगर ये कि चीज़ें मेरी पॉसिबल होती जा रही है। जब मैं साहिर अदीम को जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मैं कही थी इतनी गहरी नॉलेज और इतनी गहरी जो होते हैं ना लोगों की आवाज़ में बात में वजन होता है, इस तरह के लोगों को मैं जब सुनती थी बड़ी इंप्रेस होती थी, मैं कहती थी मेरी इस बात में तो वजन ही नहीं है, कंप्यूटर पे काम करके कमरे में घर में बंद रह कर कंप्यूटर पे बैठ बैठ कर मेरी असल वोकैबुलरी भी चली गई थी उर्दू की, ना ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इंग्लिश तो हमारी वैसी नेटिव नहीं है, ऊपर से उर्दू भी मेरी जाती जा रही। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ पर सुनने सुनने में इतनी मेरी वोकैबुलरी बन गई कि जब मैं बात करती हूँ तो इतना वजनी होती है, अब मुझे तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर आपने मेरी तफसीर कुरान भी सुनी होगी और दूसरी चीजें, तो मैं जब एक आयत के ऊपर मुझसे कोई सवाल करता है तो उसकी रेफरेंस में 3-4 आयतें मुझे याद आ जाती है, यानी तफसीर में मुझे अल्फाज नहीं बनाने पड़े, मुझे आयतों से अल्लाह ताला सिखा रहा है, एक आयत के रेफरेंस में 3 आयतें याद आ रही हैं, तो यानी वो तफसीर ही हो गई ना, और वो बेहतरीन तफसीर है जो कुरान के रेफरेंस से हो, कुरान की आयतें ही एक आयत को दूसरी आयतें सपोर्ट कर रही हो तो वो बेहतरीन है। तो हमें तफसीर में इसलिए नहीं लगना क्योंकि तफसीर 100 साल पुरानी थी, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं थी, तफसीर होती ही इंसानी ख्याल है, इंसानी ख्याल से उसकी तशरीह करना आयत की। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत थे लोग, वो एक ओल्ड लेयर थी, आयतों की लेयर्स होती हैं प्याज के छिलकों की तरह, अलग अलग वक्तों में उनके अलग अलग गहराइयां हैं, आज के वक्त की गहराई आप खुद देख सकते हैं। कुरान शरीफ को आप सुनेंगे और आपके जहन में कोई बात चल रही होगी, अब मेरे जहन में था कि सेथ कौन है जिसका जिससे हॉरस की दुश्मनी थी, आप कुरान शरीफ में आयत देखेंगे तो कहते हैं कि और वो लोगों ने जो जिब्राइल से दुश्मनी की हुई है, कि जिब्राइल के दुश्मन है, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबको वही करते थे, जाकर नबियों को पहुंचाते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए थे कि ये जो है ना ये वो है, यानी इसकी वजह से सारी तबाही आती है, ये बहकाता है लोगों को, जो नबी थे नबियों को जो वही कर रहे थे तो वो कहते थे बहकाता है, तो कुछ लोग ऐसी कौमें भी थी। अब हो सकता है ये वही कौम, और जो सैद का जिक्र हो रहा है कि एंड में भी सैद से लड़ाई होगी, और ये अपने आप को खुदाओं में से कहते हैं, यानी खुदा अल्लाह ताला ने खुद कहा कि जो देवी देवता देवियां बनाई हुई है उन्होंने अल्लाह ताला के फरिश्तों को ही देवियां कहते हैं और उनको अल्लाह की बेटियां बना दिया है, कुरान शरीफ में बाकायदा है, सूरह कमर में भी शायद इस तरह की बात है। तो सारी निशानियां अगर आप पजल्स मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि फरिश्तों को बेटियां और देवियां बनाया हुआ है, फरिश्तों को अगर गॉड बनाया हुआ है तो फरिश्तों को गॉड बनाया हुआ है तो एक गॉड इनका सेट भी था, एक हॉरस का बाप था ओसायरिस, तो एक गॉड सेट भी था। हो सकता है कि वो सेट का मतलब यही हो कि वो उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि उनसे लड़ेंगे, क्योंकि शैतान का भी आपने हिस्ट्री सुनी होगी कि बहुत कुछ इस पे वीडियोस बनी हुई है कि दुनिया में इंसानों की उससे पहले अफजाई से और से आने से पहले आबादी से पहले 1000 साल पहले जिन्नात की आबादी थी, उसके ऊपर किसी ने लूसीफर के ऊपर भी पूरी कहानी बनाई हुई शैतान के ऊपर कि वहां पे जिन्नात की बादशाहत थी, वो चला तो बहुत अच्छी रहे थे मगर वही फिरौन वाली बात थी कि हम खुदा हैं, उन्होंने वो खुदा को अल्लाह को नहीं मान रहे थे, मगर बहुत अच्छी बादशाहत भी थी और बहुत मजबूत किस्म के जिन्नात थे, बादशाह मलका बड़े मशहूर थे वहां के हरदिल अजीज टाइप के, जैसे फिरौन हरदिल अजीज है ना, हॉरस और ऑसायरिस को लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ फिरौन के वक्तों वाले, कि वो बहुत अमन वाला था, उसको बहुत पॉजिटिव करेक्टर समझा जाता है, इसी तरीके से वो जिन्नात के हिसाब से पॉजिटिव करेक्टर था, मगर जो बंदा एक अगर आपकी कंपनी है और उस कंपनी में आपका जो एम्प्लॉय है जो बड़ी सबसे मेन पोस्ट पे आपने बिठाया हुआ है उसे, मगर कंपनी आपकी है, वो कंपनी को जबरदस्त चला रहा है मगर वो आपकी वजूद को मानना छोड़ दे, वो कहे कि नहीं कंपनी असल में मेरी है, वो ये कहे कंपनी का मालिक मैं हूँ, आपको पसंद आएगा वो बंदा, आपके लिए वो बंदा अच्छा है या नहीं है, भले वो कंपनी को उरूज पे पहुंचा दे, वो सही है या गलत है, क्या कहेंगे आप? गलत गलत है ना, है, तो यही गलत अल्लाह ही है। ताला का दस्तूर है, अल्लाह ताला भले एक बंदा दुनिया में बहुत नेकियां भी फैला रहा है मगर अपने नाम से फैला रहा है, नेमतें भी अपने नाम से ले रहा है, दुनिया को भी अपने नाम से कह रहा है कि मैं खुदा हूं, तो वो गलत है, यही अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट है, यही फिरौना का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो